तो ये क्या है, ये समरी है फिलॉसफी की, जो एथिक्स का चैप्टर है उसके रिलेटेड। तो इसमें क्या है, एक तरीका ये है फिलॉसफी को पढ़ने का कि आप इंडियन फिलॉसफी पढ़ो और वेस्ट की फिलॉसफी पढ़ो। इंडिया में 9 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं जिनको कि आप वेदास के बेसिस पे दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। दोज स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी विच बिलीव इन ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदा, सुप्रीमेसी ऑफ वेदा, वो हैं 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल, SYNV MV, इसको सिनेमा से याद रख सकते हो, सिनेमा, CNESY, न से N, मा से M, और Y में से ये नीचे वाला हटा दो तो VV यहाँ पे आ जाएगा, तो SYNV MV, दैट इज़ सांख, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। और 3 हेट्रोडॉक्स स्कूल हैं जो कि वेदांत जब एक टाइम पे करप्ट हो गया था तो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस बढ़ गई थी, तो उसको अपोज करने के लिए 3 स्कूल्स आए, तो दे डू नॉट बिलीव इन सुप्रीमेसी ऑफ वेदास, तो हेट्रोडॉक्स स्कूल हो गए JCB, दैट इज़ जैनिज्म, चार्वाक और बुद्धिज़्म। उसी तरह वेस्ट में 4 स्कूल्स हैं, 4 स्कूल्स के थ्रू आप इसको पढ़ सकते हो। एक पढ़ सकते हो ग्रीक फिलोसोफर वर्च्यू एथिक्स, दैट इज़ एसएसपा, सोक्रेटिस, सोफिस्ट, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। हालांकि सोफिस्ट वर्च्यू एथिक्स की बात नहीं करते, ठीक है, तो आप इस तरह से जा सकते हो, सोफिस्ट, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सब ग्रीक के हो गए फेमस। फिर टीलियोलॉजी, टीलियोलॉजी में पीहू के नाम से आप याद रख सकते हो, परफेक्शनिज्म, ईगोइज्म, एवोल्यूशनिज्म, फिर उसके बाद हेडोनिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म, तो इस तरह से कई टाइप्स हो सकते हैं। डियोंटोलॉजी में 3 GIK, दैट इज़ गीता, इंट्यूशनिज्म, कांट, और फिर दूसरे हो जाएंगे जिसमें कि फेमिनिस्ट एथिक्स, सोशल एथिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स हैं। तो एक ये है, लेकिन ये काफ़ी मुझे क्या बोलूँ, पढ़ने के टाइप से लगता है कि मानो आप कुछ पढ़ रहे हो। मुझे ज़्यादा लॉजिकल वे लगता है ये इस तरह का क्लासिफिकेशन का तरीका, कि अगर आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो कॉन्वर्सेशन करने के क्या हो सकते हैं, 3-4 लेवल्स हो सकते हैं। तो कॉन्वर्सेशन के 3 लेवल्स हैं। लेवल 1 क्या है कि मुझे पता नहीं है रियलिटी में, ठीक है, आई डू नॉट नो एंड आई कैन नॉट नो, कि मुझे पता ही नहीं है और ना ही कभी पता लग सकता है, तो इसमें चीज़ें रैंडम है। इसमें आपके 3 लोग आ जाएंगे, ISI, दैट इज़ इमैनुअल कांत, S से हो जाएगा सोफिस्ट, और फिर आई से आपका हो जाएगा इंट्यूशनिज्म या फिर एग्जिस्टेंशियल, इंट्यूशनिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है, ऐसे ऐसे इनको पकड़ सकते हो आप, ठीक है। ये वो लेवल है जिसपे कि मतलब बातचीत करने का कोई सेंस ही नहीं है, वो भी देखेंगे क्यों, क्योंकि इमैनुअल कांट बोलेगा कि हम कुछ जान ही नहीं सकते, तो हम कुछ जान ही नहीं सकते तो बात क्या करोगे। सोफिस्ट होमो मेंसुरा की बात करेंगे कि हर एक इंसान अपने एथिक्स खुद डिफाइन करे, ठीक है, टू ईच हिज ओन, तो जब सबका अपना अपना है तो कोई कॉमन ग्राउंड ही नहीं है, तो ये हो गया। एग्जिस्टेंशियलिस्ट वो बात करेंगे कि चीज़ें इतनी रैंडम हैं, इतनी एब्जर्ड हैं कि लाइक एंडिंग लाइफ सीम्स लाइक अ सॉल्यूशन, मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, एब्जर्डिटी ऑफ लाइफ, इस पे एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले बात करेंगे। इंट्यूशनिज्म वाले बात करेंगे कि इंट्यूशन पे कि इंट्यूशन एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, उसकी बात करेंगे, इंट्यूशन गाइड करती है हमारी एथिक्स को, ठीक है, हमारी कॉन्शियंस जिस चीज़ को अलाउ करेगी वो सही है, जिस चीज़ को नहीं अलाउ करेगी वो गलत है। तो ये वो वाली चीज़ें हुई, ठीक है, लेवल 1। जनरली इस पे कॉन्वर्सेशन नहीं होता। फिर आएगा लेवल 2। लेवल 2 मतलब आई नो, लेवल 1 में आपने ये डिक्लेयर किया कि ना मुझे पता है ना मैं जान सकता हूँ, ठीक है, चीज़ें रैंडम हैं, एब्जर्ड हैं। लेवल 2 पर क्या है कि आई नो, कि आप ये डिक्लेयर कर रहे हो नहीं मुझे पता है, और क्या पता है कि इट इज़ ऑल एन इल्यूशन, और सिर्फ कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है, इसलिए पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है कि रियलाइज़ कि आप वही वो कॉन्शियसनेस हो। इस चीज़ को बोलने वाले इंडिया में हो जाएंगे अद्वैत वेदांत, और वेस्ट में हो जाएंगे इनके वेस्टर्न काउंटर पार्ट हीगल का परफेक्शनिज्म, और क्वांटम मैकेनिक्स फिर इन चीज़ों को वेरीफाई भी करेगा। क्वांटम मैकेनिक्स के कई साइंटिस्ट जो हैं, नील बोर, हाइजनबर्ग, ओपनहाइमर, ये सब लोग बताएंगे कि हाउ अद्वैत वेदांत में आंसर्स हैं इन चीज़ों के, ठीक है, तो इसको याद रख सकते हो आप AWQ से। अब जो अद्वैत वेदांता है, अद्वैत वेदांता में अगर आप ये मान लोगे कि सभी चीज़ कॉन्शियसनेस ही है, हर एक चीज़ कॉन्शियसनेस ही है, तो फिर क्या होगा, तो फिर सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना, सोसाइटी विल एंड। अगर हर कोई, अगर लाइफ का गोल आपका ये है कि मुझे ये रियलाइज़ करना है कि कॉन्शियसनेस ही है हर एक चीज़ है, तो कोई भी इस लाइफ में कोई भी एफर्ट क्यों लगाएगा कि हमें साइंटिफिक डेवलपमेंट करना चाहिए,
ठीक है, या कोई प्रोग्रेस करनी चाहिए, सब लोगों का फोकस अपने ऊपर हो जाएगा सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर, तो सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको और ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने के लिए क्या किया जाएगा, गीता को लाया जाएगा, जिसमें बोला जाएगा एक चीज़ नहीं है, दो चीज़ें, भगवान है और ये दुनिया है, ठीक है। तो ये चीज़ फिर गीता में आ जाएगी। बाद में कांट भी जो होंगे, जो इमैनुअल कांट है, वो जान रहे थे कि अगर वो आई मतलब ये बोल देंगे कि आई नो, जो सच है कि आई नो दैट आई डू नॉट नो या आई कैन नॉट नो, अगर ये बोल दोगे तो इस लेवल पे तो बातचीत ही बंद हो जाएगी। तो इसलिए अगर प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ों को बोलना है तो कांट अपना इसको क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीज़न नाम की बुक में मेंशन करेंगे, राइट, उसमें अपने एथिक्स देंगे वो। वेस्टर्न काउंटर पार्ट हीगल का परफेक्शनिज्म आइडियलिज्म हो ही गया, क्वांटम मैकेनिक्स इसको जस्टिफाई करेगी। लेवल वन था कि मुझे पता ही नहीं है ना मैं जान सकता हूँ। लेवल टू है कि मैं जानता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि सिर्फ कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है, बाकी तो सब कुछ इल्यूजन ही है, ठीक है। लेवल थ्री क्या है, लेवल थ्री वाले भी बोलते हैं कि हाँ हम जानते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि कुछ इल्यूजन नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि लेवल टू वाले मानते थे कि इट्स ऑल इल्यूजन, सिर्फ कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है, इसलिए पर्पस ऑफ लाइफ क्या है कि रियलाइज़ करो कि आप वो कॉन्शियसनेस हो। लेवल थ्री वाले कहते हैं हम जानते हैं कि ये इल्यूजन नहीं है, तो जब इल्यूजन है नहीं, यही वास्तविकता है, तो अब लाइफ अगर जी जाए तो क्या पर्पस ऑफ लाइफ हो। तो अब यहाँ पर वो लेवल आएगा जहाँ पर ज़्यादातर लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो पर्पस ऑफ लाइफ यहाँ पे तीन पर्पस हो जाएंगे लाइफ के, ठीक है, लेफ्ट राइट सेंटर, कंटिन्यूम अप्रोच। एक वो लोग होंगे जो बोलेंगे कि नहीं लाइफ का पर्पस है खुश रहना, एक वो लोग होंगे कि नहीं लाइफ का पर्पस, एक एक्सट्रीम पर हो जाएंगे वो लोग जो कहेंगे कि एसेटिज्म, चीज़ों को अवॉइड करना, वर्चुअस लाइफ जीना, वो है लाइफ का पर्पस। और एक होंगे बीच वाले कि ना लेफ्ट ना इधर एक्सट्रीम पर जाओ कि लाइफ का पर्पस बिल्कुल ब्लाइंड हैप्पीनेस, ब्लाइंड लस्ट के पीछे पड़ जाओ, ना चीज़ों को एक्सट्रीम सेक्रीफाइस करो कि अपने आप को पेन हो। तो एक बैलेंस्ड वाले बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि पर्पस ऑफ लाइफ जो ये कहते हैं कि पहले बीच वाले मार्ग पर आ जाते हैं, ये दोनों छोटे छोटे हैं, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो बोलेंगे मध्यम मार्ग कि लाइफ का पर्पस है एक बैलेंस्ड लाइफ जीना। तो ऐसे में आप तीन लोगों को ले सकते हो। इंडिया में हो जाएंगे बुद्धिज़्म जो कि मध्यम मार्ग की बात करेंगे, ठीक है, अनासक्त कर्म की बात करेंगे। वेस्ट में हो जाएंगे कौन, सुक्रेटिस भी बोलेगा कि लाइफ का पर्पस है ब्लेस्ड लाइफ जीना, और ब्लेस्ड लाइफ कैसे जी सकते हो जब आप बैलेंस लाइफ जी लोगे, बैलेंस लाइफ कैसे जियोगे, वर्चुज़ को डेवलप करके दोगे। तो सुक्रेटिस के बाद वाले, सुक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये जो वर्चू एथिक्स वाली ब्रांच है पूरी, ये भी मध्यम मार्ग की ही बात करेंगे, क्योंकि बैलेंस लाइफ क्या है, एक तरह से मध्यम मार्ग ही तो हो गया। और गीता को भी अगर आप देखोगे तो उसमें एक तरह से स्थित प्रज्ञा का कॉन्सेप्ट जो है, निष्काम कर्म, कि आपका रिजल्ट से और अटैचमेंट होना ही नहीं चाहिए, आपका तो पूरा फोकस होना चाहिए काम करने के ऊपर। तो मुझे लगता है इन तीन को हम बोल सकते हैं जो कि बैलेंस लाइफ के को जी बताते हैं कि लाइफ का पर्पस है, बुद्धिज़्म, गीता और सुक्रेटिस, या आप इसको GBS से भी याद रख सकते हो या BSG से भी, जैसे भी याद हो। फिर वो लोग जो कि कहेंगे कि लाइफ का पर्पस है कि वर्चुअस लाइफ जीनी है, तो ऐसे लोग काफ़ी सेक्रीफाइस वगैरह में विश्वास करेंगे, प्लेजर से दूर भागेंगे, प्लेजर को क्रिमिनलाइज करेंगे कि नहीं प्लेजर के पीछे भागना बेवकूफ़ी है। ऐसे तीन लोग आपको मिलेंगे, JCS, जैनिज्म, सिनिक्स और स्टोइक्स। तो जैनिज्म, सिनिसिज्म, स्टोइसिज्म, वो आपको एसेटिज्म सिखाएगा। तो बैलेंस लाइफ जीनी है ऐसे तीन लोग बताएंगे, वर्चुअस लाइफ जीनी है ऐसे तीन लोग बताएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग ये बताएंगे कि लाइफ का पर्पस है खुश होना। ऐसे छः लोग हैं जिसमें एक इंडियन स्कूल है, 5 वेस्टर्न स्कूल है। तो आप देखिए इन सब में एक एक इंडियन स्कूल आपको मिल जाएगा। पर्पस ऑफ लाइफ है टू बी हैप्पी, चारवाक बहुत पहले बता के चले गए। पर्पस ऑफ लाइफ है सेक्रीफाइस करना, प्लेजर से दूर भागना, जैन्स बता के चले गए। पर्पस ऑफ लाइफ है बैलेंस लाइफ जीना, बुद्धिज़्म में बता के चले गए। तो ये इंडियन काउंटर पार्ट इनके, ये इंडियंस हैं जो इन तीनों पर्पस ऑफ लाइफ में बिलीव करते हैं, इन्हीं के काउंटर पार्ट आपको वेस्ट में मिल जाएंगे और क्या, ठीक है। तो अब आ जाते हैं पर्पस ऑफ लाइफ जो ये बताते हैं कि खुश रहना है लाइफ का पर्पस। तो इसको बोलेंगे, खुश रहने को क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस बोलते हैं, इसको हेडोनिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। तो हेडोनिज्म बोलो चाहे हैप्पीनेस बोलो, एक ही चीज़ है। तो ये देख लेते हैं डेट। अब बस यही है कि जो लोग ये मानेंगे कि लाइफ का पर्पस हैप्पीनेस है, तो वो हैप्पीनेस में बहुत ज़्यादा डीप में घुस जाएंगे, बहुत ज़्यादा डीप में घुस जाएंगे। हैप्पीनेस क्या होती है, हैप्पीनेस से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि कैसे हम हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हैं, कितने टाइप की हैप्पीनेस होती है, ठीक है। फिर अगर लाइफ का पर्पस हैप्पीनेस ही है तो हमें और किस किस तरह के एथिक्स इवॉल्व करने चाहिए, तो ये पूरा हैप्पीनेस पे ही गेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हैप्पीनेस की डेफिनेशन तो वो दी जाती है कि हैप्पीनेस इज़ अ फीलिंग दैट रैशनल पीपल लाइक टू हैव, कि जो दिमागदार, जो रैशनल लोग होते हैं वो जिस फीलिंग को
फीलिंग में होना पसंद करते हैं उसको हैप्पीनेस बोला जाता है। क्योंकि कुछ इरेशनल और बेवकूफ़ भी होते हैं जिन्हें कि सफरिंग में ही मज़ा आने लगता है लाइफ में, पेन में ही मज़ा आने लगता है उनको। एनीवे अगली चीज़ क्या है, एडिशनल पे बाद में आएंगे, टाइप्स पे आ जाते हैं। तो हैप्पीनेस को क्लासीफाई करने के लिए 5 तरीके हैं और इन 5 तरीक़ों पर अलग अलग हर एक फ़िलोसोफ़र जो आएगा, जो ये मानेगा कि लाइफ का पर्पस खुश होना है, वो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर अपनी ओर से देगा। ठीक है, उसे इस 5 क्वेश्चन के आंसर अपनी ओर से देने हैं, क्योंकि अलग अलग आंसर आते हैं इन 5 बेसिक क्वेश्चंस के, इसीलिए 5 अलग तरह के फिलोसफी डेवलप हो जाएंगी हेडोनिज्म में। वेस्ट में, इंडिया में तो एक ही है चार्वाक, वेस्ट में 5 हैं, क्योंकि वो 5 जो स्कूल्स हैं वो इन 5 बेसिक क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग तरह से करते हैं। तो खुशी के टाइप्स अगर देखें तो माइंड नाम का निमोनिक है, इससे आप याद रख सकते हो कि वो 5 क्वेश्चंस कौन से हैं जो आपको खुशी से रिलेटेड पूछने हैं। तो MIND, एम से याद हो जाएगा माई हैप्पीनेस, ठीक है, आई से याद हो जाएगा इट्सेल्फ गुड, एन से याद हो जाएगा नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल, और जो लास्ट में डी है इससे रिलेटेड 2 हैं, डिज़ायर ऑफ हैप्पीनेस और डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस। तो अब इसको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले माय हैप्पीनेस का सवाल है, तो माय हैप्पीनेस मतलब खुशी को अगर हम देखें तो आप किसकी बात में, किस चीज़ में विश्वास रखते हो, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आई शुड बी हैप्पी, या मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि सब लोग खुश रहें या ज़्यादातर लोग खुश रहें। इस तरह से 2 स्कूल्स, सिर्फ मेरी ही खुशी तो ईगोइज़म हो जाएगा, सबकी खुशी अगर आप चाहोगे तो एक स्कूल निकलेगा, या मैक्सिमम लोगों की हैप्पीनेस चाहोगे तो यूटिलिटेरियनिज्म। फिर नेक्स्ट है आई, आई यानी इट्स सेल्फ गुड। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो अपने आप में अच्छी है, ठीक है, तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो अपने आप में अच्छी है। तो इसके 3 आंसर्स निकलेंगे। कुछ लोग वो बोलेंगे कि गुड इज़ प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस, जो चीज़ आपको जितनी ज़्यादा खुशी दे वो चीज़ उतनी अच्छी है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, गुड इज़ समथिंग विच हेल्प्स यू इन गेटिंग एडजस्टेड विथ नेचर, वो चीज़ जो आपको नेचर के साथ एडजस्ट होने में जितनी ज़्यादा मदद करेगी आप उसको अच्छा बोल दोगे। अच्छा और बुरा क्या होता है लाइफ में, तो अच्छा को लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, नथिंग हैज़ अ वैल्यू ऑफ इट्स ओन। आप कैसे डिफाइन करोगे कि कौन सी चीज़ अच्छी है बुरी है? कुछ लोग बोलेंगे जो चीज़ खुशी दे वो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ दुख दे वो बुरी है। कुछ लोग बोलेंगे ऐसी चीज़ जो आपको नेचर के साथ एडजस्ट होने में मदद करे, ठीक है, वो अच्छी है, क्योंकि आप जितना नेचर के साथ एडजस्ट होगे उतनी ज़्यादा बड़ी लाइफ होगी आपकी, उतना लंबा जियोगे, उतना हेल्दी जियोगे, तो वो चीज़ अच्छी है, ठीक है। तो योगा एक्सरसाइज इसलिए अच्छा है क्योंकि नेचर के साथ एडजस्ट करने में मदद करता है। लेकिन अब उल्टा देखो, बुद्धिज़्म अगर ये कहता है कि लाइफ इज़ सफरिंग, तो वाई टू लिव इन दैट सफरिंग, वाई नॉट सिंपली डाई एंड गेट रिड ऑफ इट। तो हर चीज़ के बारे में सोचने में आपको कुछ मिल जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छी चीज़ क्या है, अच्छी चीज़ है गुडविल, द डिज़ायर टू डू गुड, मतलब जब आपका नेचर ही बन जाए कि मुझे दूसरों के साथ अच्छा करना है, तो वो ही है अपने आप में अच्छा, जिसमें आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, आप ऐसे इंसान ही हो जो किसी के साथ अच्छा करते हो, इट्स गुड टू बी गुड। तो गुड, तो इसमें अब क्या है, गुड इज़ प्रोपोर्शनल टू एडजस्टमेंट विथ नेचर, इस चीज़ को बोलने आ जाएंगे, जो फिलॉसफी आएगी वो होगी इवोल्यूशनिज्म की फिलॉसफी। अगला चीज़ है एन, एन यानी नेचुरल डिज़ायर वर्सेस आर्टिफिशियल डिज़ायर, या फिर मेंटल डिज़ायर वर्सेस फिजिकल डिज़ायर, ठीक है, इसमें 2 चीज़ें आ जाएंगी। अब इसको याद कैसे रखना है, नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल, और वो जो पहले वाला एम था यहाँ से आ जाएगा मेंटल एंड फिजिकल हैप्पीनेस। तो ये बोला जाता है कि जो नेचुरल हैप्पीनेस है और आर्टिफिशियल, तो नेचुरल हैप्पीनेस जो आपकी होती है जैसे कि खाना सोना, इसको आपको क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, और जो आर्टिफिशियल डिज़ायर हैं, ड्रग्स लेना, ड्रिंक्स पीना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना, इनको आपको एब्सोल्यूट कंट्रोल में रखना चाहिए, और जो मेंटल प्लेजर्स होते हैं वो फिजिकल प्लेजर से ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो ऐसा जो मानेंगे वो एपिक्यूरस हो जाएगा। फिर आता है डी, डी से आ जाएगा सबसे पहले डिज़ायर ऑफ हैप्पीनेस, कि खुश रहने का ये जो डिज़ायर है ये ह्यूमंस में है कि नहीं, तो इसको बोलेंगे साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस, कि ह्यूमंस के अंदर ये चाह है कि हमें खुश होना है, ठीक है, दैट इज़ वाई दे आर सेल्फिश। फिर एथिकल हैप्पीनेस, क्या ये चाह रखना कि हम खुश रहें, हम सेल्फिश रहें, ये अपने आप में एथिकल है, तो ये एक क्वेश्चन उठेगा। तो साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म और एथिकल हेडोनिज्म, तो इस कॉन्सेप्ट को देंगे सिरेनिक्स, ठीक है, कि ह्यूमंस चाहते हैं खुश होना, एंड इट इज़ एथिकली राइट टू बी टू वॉन्ट टू बी हैप्पी या टू वॉन्ट टू बी सेल्फिश। तो ये सिरेनिक्स स्कूल आ जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद आपका आएगा डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस के बीच में अंतर क्या है, क्या सिर्फ दो जो खुशियाँ हैं उनके बीच में सिर्फ क्वांटिटी का अंतर है, या क्वांटिटी के साथ क्वालिटी का भी अंतर है। तो जो बोलेंगे कि नहीं भाई सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी का अंतर है, तो ये कहलाएंगे ग्रॉस हेडोनिज्म। जो कहेंगे क्वांटिटी के साथ क्वालिटी का भी अंतर है, वो कहलाएंगे क्या, रिफाइंड हेडोनिज्म, ठीक है।
तो अब जो कहेंगे कि सिर्फ क्वांटिटी का अंतर है, कि दो खुशियों में सिर्फ क्वांटिटी का अंतर है, एच वन कैन बी इक्वल टू टू टाइम्स एच टू, फुल्की खाने में जो खुशी है वो देश के लिए, मतलब क्या बोल सकते हैं, देश के लिए वर्ल्ड कप जीतने में जो खुशी है वो पांच प्लेट गोलगप्पे खाने से मिल जाएगी, जो इस टाइप में विश्वास रखते हैं। तो जो लोग ये अज्यूम कर लेंगे कि सिर्फ क्वांटिटेटिव डिफरेंस है, मतलब आपको बस ये कैलकुलेट करना है कि कौन सी खुशी, कौन सी चीज़ ज़्यादा खुशी देगी, मतलब खुशियाँ कंपेरेबल हैं, तो जो इस चीज़ में मानेगा वो उसको मेजर करने के लिए हेडोनिस्टिक कैलकुलस दे देगा, जैसे कि जर्मी बेंथम। जो मानेंगे नहीं क्वांटिटी में तो अंतर होता ही है, कोई चीज़ ज़्यादा खुशी देती है कोई चीज़ कम खुशी, लेकिन क्वालिटी में भी अंतर है, कि क्वालिटी में क्वालिटेटिव अगर डिफरेंस हो गया तो इसका मतलब ये है कि जो खुशी देश के लिए वर्ल्ड कप जीतने से मिलती है, चाहे जितने गोलगप्पे खा लो, वो खुशी गोलगप्पे खाने से नहीं मिलेगी। तो ये जीएस मिल है, तो जो ये समझेगा कि नहीं क्वालिटेटिव डिफरेंस है, तब तो दो खुशियों को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, तो वो आदमी हेडोनिस्टिक कैलकुलस देगा ही नहीं मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ये फाइव स्कूल्स आपने क्या देखा, माई हैप्पीनेस के बेसिस पे ईगोइज़म, यूटिलिटेरियनिज़म, ये दो फिलॉसफी हुई। फिर उसके बाद सिरेनिक्स वाली फिलॉसफी हुई, चौथी आपकी इवोल्यूशनिज़म हुई, यही चार हैं, ठीक है। इसमें कोई एक मिस हो रहा है क्या, शायद चार ही हैं मेरे हिसाब से, तो चार स्कूल ये निकल के आ जाएंगे, ईगोइज़म, यूटिलिटेरियनिज़म, सिरेनिक्स और इवोल्यूशनिज़म, ठीक है। और बाकी ये हेडोनिज़म की तो थ्योरी है ही, खुश रहने वाली चीज़, तो एक दो तीन चार और ये जो हेडोनिज़म है वो पाँच, ठीक है। तो बेसिकली खुश रहना है, और फिर खुशी के आपके कितने हो गए, पांच टाइप हो गए, यहाँ से चार निकल जाएंगे और ये, तो ये एक पांच हो गया और उसके अलावा एक चार वाक हो गए, ठीक है। तो यही आपकी समरी हो गई। अब उसके बाद एक एक को आप डिटेल में देख सकते हो। अब जो हम देखेंगे, हम बस ये चाहते हैं कि हर एक फिलॉसफी से रिलेटेड जो मेन बुलेट पॉइंट्स हैं, जिसको कि आप कॉन्वर्सेशन में यूज़ करोगे, सिर्फ उसको दिमाग में रखो, ठीक है, बाकी चीज़ों को नहीं। तो जैसे सोफिस्ट हैं, तो सोफिस्ट में क्या आएंगे, सोफिस्ट हैं तो सोफिस्ट में आप इस पे फोकस करो, पी एच और टी पे। तो पी से प्रोटैगोरस, एच के पहले जी आता है तो जी से गॉर्जियास, और टी से आ जाएंगे थेरिसमैकिस। तो ये तीन लोग हैं। अब प्रोटैगोरस में प्रो है तो प्रो से याद हो जाएगा प्रो ह्यूमन, और ये दे देंगे होमा मेंसुरा का कॉन्सेप्ट। होमा मेंसुरा क्या है कि मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग, ह्यूमन इज़ द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। ये सब्जेक्टिव रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट देंगे कि एथिक्स सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करेगा और रिलेटिव भी होगा। सब्जेक्ट पर मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग एथिक्स होंगे, रिलेटिविज्म मतलब अलग अलग सिचुएशन में वो एथिक्स बदलेंगे भी। तो कोई मतलब इसमें दीन ईमान नहीं है इनका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये लोग किसी एक साइड पर लेंगे, अरे भाई वैसी सिचुएशन थी तो वैसा कर लिया, ऐसी सिचुएशन है तो इसमें ये सही है, तो ये इस टाइप वाले हो गए। देन गॉर्जियास, गॉर्जियास से आप याद रख सकते हो, गॉर्जियस, गॉर्जियस यानी सुंदर, और शिव ही सुंदर है, शिव यानी शून्य, शून्य यानी नथिंग। तो गॉर्जियस क्या बोलेंगे, नथिंग एग्जिस्ट, और अगर कुछ, इफ़ समथिंग एग्जिस्ट इट कैन नॉट बी नोन, इफ़ नोन इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। पहली बात तो कोई चीज़ होती नहीं है, और अगर है तो वो जाना नहीं जा सकता, और अगर जाना जा सकता है तो उसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। रीज़न ऐसा क्यों, वही लोग ऐसा मानेंगे जो जिनकी एपिस्टेमोलॉजी परसेप्शन हो, एपिस्टेमोलॉजी यानी सोर्स ऑफ नॉलेज, जो इस चीज़ में विश्वास रखें कि भाई जब हम देखेंगे सिर्फ हम उसी में विश्वास मानेंगे। तो जो इंसान ऐसा होगा वो पक्का एग्नोस्टिक वेग्नोस्टिक टाइप का बन जाएगा कि भाई मैं क्यों किसी चीज़ में विश्वास करूं, आई नो दैट आई कैन नॉट नो, क्योंकि आपको एक पॉइंट पर दिखाई दे जाएगा कि आपके सेंसेस फ्लॉड हैं, क्या पता पांच सेंसेस नहीं छह सेंसेस हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तभी एग्जिस्ट करता है जब आप उसको देखते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जब नहीं देखते तो इट बिहेव्स लाइक वेव्स, तो ये चीज़। फिर तीसरा क्या है, थेरिसमैकिस, थेरिसमैकिस जस्टिस, थेरिसमैकिस इसको याद रखने का क्या तरीका, इतना बड़ा नाम है जस्टिस करो भाई। तो थेरिसमैकिस ने जस्टिस की बात कही कि जस्टिस क्या है, कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑफ पावरफुल, क्योंकि सारे लॉज क्या बनाए जाते हैं, सारे लॉज बनाए जाते हैं रिच लोग अमीर लोगों के फेवर के लिए, ठीक है। वो दिखते हैं ऐसे कि वो लोगों की भलाई के लिए, लेकिन उसमें पहले ही इस तरह के लूप होल्स होते हैं कि जो रिच पीपल हैं दे शुड कंटिन्यू टू बी रिच। तो ये देखिए आपको सोफिस्ट क्या है, थोड़ा इस तरह की रैंडमनेस टाइप की समझ में आ रही है ना, प्रोटैगोरस बोल रहा है, होमा मेंसुरा सब्जेक्टिव रिलेटिविज्म, टाइम और सिचुएशन के हिसाब से एथिक्स बदलते रहेंगे, गॉर्जियस आके बोल के चले जाएगा कि कुछ है नहीं, है भी तो आप जान नहीं सकते, जान सकते तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। थेरिसमैकिस देखो, जस्टिस वस्टिस कुछ होती है नहीं, ठीक है, सारे लॉ अमीर लोगों के लिए बनते हैं, हमारे लिए कुछ है ही नहीं। तो एक रैंडमनेस है, इस रैंडमनेस को अपोज करने आ जाएंगे सोक्रेटिस, ठीक है, जो चाहते थे कि एक एथिकल सिस्टम बनाया जाए जो कि ऑब्जेक्टिव हो और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल।
अगर आप सब्जेक्टिव रिलेटिविज्म मतलब हर आदमी अपना एथिक्स डिफाइन करे तो वैसे तो सोसाइटी चलेगी ही नहीं। मैं मेरा जो मन करेगा वो मानूंगा, आप अपना जो मन करे वो मानो, तो वैसे तो चलेगी ही नहीं। तो कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नॉर्म्स होने चाहिए जिस पर सब अग्री करें, तभी सोसाइटी बनेगी। और वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप डिसाइड कर सको कि कोई मॉरल है कि नहीं, एथिकल है कि नहीं। उसके लिए यही है कि बस ये देख लो उसमें वर्चू है तो एथिकल है, मॉरल है, अगर वर्चू नहीं है तो एथिकल नहीं है। तो एनीवे सोक्रेटिस पे बाद में आएंगे। तो एक लेवल तो ये हुआ लेवल वन, जिसमें तीन जो लोग रैंडमनेस और हमें पता नहीं है इस तरह की बातें करते हैं। तो दूसरे आ जाएंगे कांट, फिर कांट आएगा। कांट से रिलेटेड तीन ही चीज़ें याद रखनी है, कांट की एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एथिक्स। एपिस्टेमोलॉजी सोर्स ऑफ नॉलेज को हम कांट के डिस्कस नहीं करेंगे, मेटाफिजिक्स को हम देख लेते हैं कि थियोरी ऑफ रियलिटी। ठीक है, थियोरी ऑफ रियलिटी में इन्होंने क्या दिया, एक वर्ड याद रखना है, एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म मतलब आई नो विथ 100% श्योरिटी दैट आई कैन नॉट नो, मुझे 100% पता है कि मुझे नहीं पता है। ठीक है, और मुझे ये भी 100% पता है कि तुम भी नहीं जान सकते हो। आई नो दैट आई कैन नॉट नो, आई नो दैट इवन यू कैन नॉट नो, कोई भी नहीं जान सकता है 100% श्योरिटी के साथ ही से। सो ठीक है, एग्नोस्टिसिज्म हो गया पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये देंगे नॉमिना फिनोमिना प्रिंसिपल। तो नॉमिना फिनोमिना प्रिंसिपल क्या होगा कि नॉमिना क्या है, वो है रियलिटी, फिनोमिना वो है जो आपको दिख रहा है, और जो रियलिटी है वो आपको दिख नहीं रहा है, एक तरह से आपके सेंसेस ही फ्लॉड हैं। और यहाँ पे जय कृष्णमूर्ति इसी चीज़ को बोल के जाएंगे, द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। जब आप इस पेन को देख रहे हो तो आप बोलोगे लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो आप शब्द बोल रहे हो ना, ये वो चीज़ है ही नहीं। ये लेंथ किसने क्रिएट किया, ह्यूमंस ने। ब्रेथ किसने क्रिएट किया, ह्यूमंस ने। नंबर किसने क्रिएट किया, ह्यूमंस ने। तो ये वो चीज़ तो है ही नहीं। नंबर वगैरह तो हमारा तरीका है कि जिस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे यूनिवर्स को, उसको किसी तरह से हम समझने योग्य बनाए। तो इसके बारे में आप वही बोलोगे जो आपके दिमाग में ऑलरेडी आपको पता है, ये लाल है, ये लंबा है, ये छोटा है। तो आप इसको नहीं डिस्क्राइब कर रहे हो, आप अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हो कि आपको इसके बारे में क्या पता है। वो ये चीज़ है भी नहीं, आपको खुद जो पता है आप कुछ बोल रहे हो बस। तो द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, राइट। ठीक है, तो अब क्या है, व्हाट वी सी। तो जय कृष्णमूर्ति, द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, वही। तो नॉमिना फिनोमिना प्रिंसिपल देंगे, हमारे सेंसेस फ्लॉड हैं, मे बी किसने बोला कि 5 सेंसेस ही हैं, 7 सेंसेस, 8 सेंसेस भी हो सकते हैं। तो ये अग्नोस्टिक किसके बारे में है, ये अग्नोस्टिक है गॉड को लेके, यूनिवर्स को लेके, कि सोल को लेके। ना ये बोला जा सकता है कि गॉड एग्जिस्ट कर सकते हैं, ना ये बोला जा सकता है गॉड नहीं एग्जिस्ट करते, गॉड इज़ अ मैटर ऑफ फेथ। तो आप विश्वास रख सकते हो। यूनिवर्स के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि देयर शुड बी अ सेपरेशन बिटवीन अस एंड यूनिवर्स। सोल के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। अगर रियलिटी 100% है तो उसका 1% हम जानते हैं और इस 1% से कंक्लूजन डिराइव करते हैं पूरी रियलिटी के बारे में। तो ये पॉसिबल है, तो ये एग्नोस्टिसिज्म है। ठीक, जब कोई इस लेवल पे बात करने लगे तो उससे क्या ही बात करोगे। तो आप उसके मेटाफिजिक्स में ऐसे याद रख सकते हो, एग्नोस्टिसिज्म और एन नॉमिना फिनोमिना प्रिंसिपल। ठीक है, एन एग्नोस्टिसिज्म, नॉमिना फिनोमिना प्रिंसिपल। फिर क्या है, एथिक्स क्या है। एथिक्स में 2 चीज़ें आप याद रख सकते हो, एक है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव और 3 postulates ऑफ मोरालिटी। ठीक है, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव और 3 postulates ऑफ मोरालिटी। जो कांट का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है वो गीता के निष्काम कर्म के जैसा है, क्योंकि कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का क्या मतलब है, कैटेगोरिकल यानी अनकंडीशनल, इंपेरेटिव यानी कमांड। तो एथिक्स जो है हमें अनकंडीशनल कमांड की तरह आने चाहिए, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, निष्काम कर्म जैसा। गुडविल इंसान में होनी चाहिए कि आपका अपने से ही मन कर रहा है अच्छा करने का, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि बुरा या अच्छा सोचूं, मैं अंदर से ही आना चाहिए। ठीक, एथिक्स फॉर सेक ऑफ एथिक्स। तो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव हो गया, दूसरा ये 3 postulates देंगे, 3 postulates ऑफ मोरालिटी। वो कहेंगे कि अगर आपको सोसाइटी बनानी है तो एक मॉरल सिस्टम चाहिए, बिना मॉरल सिस्टम की सोसाइटी चली नहीं पाएगी। तो लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें जिसमें सबको मानना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं चल पाएगी सोसाइटी। और वो 3 चीज़ें क्या है, 3 postulates ऑफ मोरालिटी, GIF। GIF क्या है, जी मतलब गॉड, दैट इज़ गॉड एग्जिस्ट करता है, कोई एक ऐसा बंदा है जो अकाउंटिंग कर सकता है कि किसने कितना अच्छा किया कितना बुरा किया, ठीक है, लोगों की, और फिर उन्हें उस हिसाब से फल दे। दूसरी चीज़ आए इमोर्टैलिटी ऑफ सोल। आप देखोगे अगर लोग इमोर्टैलिटी ऑफ सोल में नहीं मानेंगे तो एक ही जीवन में जो बुरा काम कर रहा है वो एंजॉय कर रहा है, तो लोगों को ये बिलीव दिलाना पड़ेगा कि नहीं, आपकी सोल नहीं मरेगी, आप नेक्स्ट भी जियोगे, तो आप अच्छा करो, अगले जन्म में अच्छा होगा, अदरवाइज सोसाइटी चलेगी ही नहीं, ये नहीं मानोगे। और तीसरी चीज़ फ्रीडम ऑफ विल। आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई पहले से सब डिसाइडेड नहीं है, अदरवाइज जिसने किसी का खून किया वो भी गॉड की मर्जी थी, पहले से डिसाइडेड था तो इसे क्यों पनिश कर रहे हो। तो सोसाइटी तभी चलेगी जब आप इन 3 principles में मानोगे, और ये 3 principles गीता में हैं। तो ऐसा बोला जाता है कांट गीता के बाद आए, तो मे बी कांट रेड गीता आफ्टर एंड देन रोट दिस। ठीक है, तो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में उनका एपिक्स और एपिस्टेमोलॉजी मेटाफिजिक्स आता है, जिसमें एग्नोस्टिसिज्म, नॉमिना फिनोमिना
और दो चीज़ें एग्नोस्टिसिज्म नोमिना फिनोमिना, और जो उनके एथिक्स हैं उसमें दो चीज़ें C3 आप याद रख सकते हो, कैटेगोरिकल इम्परेटिव और 3 पोस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी। फिर तीसरी चीज़ है इंट्यूशनिज्म। इंट्यूशनिज्म का क्या मतलब है? इंट्यूशनिज्म एक तरीका होता है, डेफिनेशन एक तरीका है जिससे कि आप चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है, सेल्फ एविडेंट नॉलेज है लेकिन ये परसेप्शन या इन्फरेंस नहीं होता है, ठीक है। अब ये क्या है इंट्यूशन की ज़रूरत क्या है? इंट्यूशन की मदद से आप ये डिसाइड कर सकते हो क्या मॉरल है क्या इमॉरल है। आपकी कॉन्शियंस आपको बता देती है कुछ गलत करने से पहले कि नहीं ये गलत है ये सही है, लेकिन फिर कॉन्शियंस पे डाउट भी होता है कि एक जो इस्लाम फॉलो करने वाला है उसकी कॉन्शियंस ये बोलेगी, उसकी कॉन्शियंस उसे रोकेगी गॉड की आइडल वर्शिप के लिए, लेकिन एक जो हिंदू है उसकी कॉन्शियंस उसको बोलेगी कि नहीं करो आइडल वर्शिप। तो कभी कभी लगता है कॉन्शियंस इज नथिंग बट सोशलाइजेशन। एनीवे, अब आई के बाद क्या आता है? आई के बाद आता है जे, तो जे से हो जाएगा जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स में आपको एक ही चीज़ का याद रखना है कि जॉन रॉल्स क्या है, इक्वालिटी को लेके काफ़ी बोलते थे कि सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए। इजालिटेरियनिज्म, सोशल इक्वालिटी कब होगी? जब हमारे पास सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं वो सब में बराबर बटें। उस बराबर बटने के लिए क्या है VOI, दैट इज़ व्हील ऑफ इग्नोरेंस की बात करेंगे कि एक इस पर्दे के पीछे जाएंगे तो आप अपनी कास्ट और आइडेंटिटी भूल जाएंगे। अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करो, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस करने के लिए प्रोसीजर पर ध्यान दो, अपने आप जस्टिस हो जाएगी, ठीक है, एंड पर मत फोकस करो। तो ये तीन हो गए, तो ये हो गया लेवल वन, ठीक है। लेवल वन मतलब कि पता ही नहीं है, चीज़ रैंडम है, कॉन्शियसनेस पे छोड़ दे रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। और इसको याद रखने का क्या तरीका है? लेवल वन में तीन लोग ISI, इमैनुअल कांत, सोफिस्ट, इंट्यूशनिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, ये सब इस तरह के लोग हैं। इस लेवल पर बात करना बड़ा मुश्किल है। तो लेवल टू पर अब हम जाते हैं कि आई नो इट्स ऑल, कि जो लोग ये क्लेम करें कि नहीं नहीं जाना जा सकता है, हमें पता भी है भाई, हमें पता है ये सब इल्यूजन है, सिर्फ कॉन्शियसनेस ही तो एग्जिस्ट करती है, तो लाइफ का पर्पस क्या है कि यू शुड रियलाइज कॉन्शियसनेस। तो इसमें इंडिया में आ जाएंगे अद्वैत वेदांत, और फिर वेस्ट में आ जाएंगे क्या इंडिया के काउंटर पार्ट, शंकराचार्य के काउंटर पार्ट हीगल, जो कि परफेक्शनिज्म और आइडियलिज्म दे के चले जाएंगे। तो इसको देख लो कि आपको वेदांत में क्या याद रखना है। तो वेदांत की एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एथिक्स। एपिस्टेमोलॉजी क्या है कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है वेदांत का? तो वेदांत जाननी है तो तीन जगह से पता चलेगा, ऑब्वियसली उपनिषद या वेदांत पढ़ के, तो UBG, लेकिन उपनिषद में कॉन्ट्रडिक्शन है, उस कॉन्ट्रडिक्शन को हटा देंगे ब्रह्मसूत्र। और फिर जो उपनिषद हैं वो काफ़ी ड्राई हैं, हार्डकोर फिलॉसफी है, इसलिए स्टोरी फॉर्मेट में लिख दी जाएगी गीता। मेटाफिजिक्स क्या है? मेटाफिजिक्स यानी थियोरी ऑफ रियलिटी, की रियलिटी में सिर्फ कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ये डिपेंड करेगा कि किस स्कूल ऑफ वेदांत में आप विश्वास करते हो। तो और उसी हिसाब से आपके पर्पस ऑफ लाइफ भी चेंज हो जाएंगे। तो बेसिकली जो ओरिजिनल है वो तो अद्वैत वेदांत है, फिर उसके बाद अद्वैत की सिर्फ एक ही है, एक भी नहीं बोलते हैं, एक ही है। फिर जो मानेंगे कि दो हैं वैष्णव वेदांत, फिर वो जो न्यू वेदांत का कॉन्सेप्ट देके चले जाएंगे। तो उसको याद रखना है टाइप्स ऑफ वेदांत, तो आप AVN से याद रख सकते हो, अद्वैत वेदांत, वैष्णव वेदांत और न्यू वेदांत। अद्वैत वेदांत जो ये बोलेंगे कि सिर्फ कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है, शंकराचार्य, बाकी सभी चीज़ माया है, ठीक है, इसलिए लाइफ का पर्पज़ है टू रियलाइज दैट यू आर दैट कॉन्शियसनेस। तो इसमें शिवोहम शिवोहम शंकराचार्य का गाना, मिनिमम शब्दों में ओम, उससे दो शब्द में आम ब्रह्माष्टमी, तीन शब्दों में तत्वमसी, और पूरा गाना ही सुना सकते हो शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। प्रूफ, इलेक्ट्रॉन एक्ट्स लाइक मैटर जब आप उसको देखते हो, अदरवाइज वो तो एक वेव है। तो एक तरह से आपके सेंसेस ही इस तरह से डिजाइन है कि आप गलत चीज़ों को परसीव करो, ठीक है, ओके। वैष्णव वेदांत आएगा कि इसको फिर अगली चीज़ क्या है वैष्णव वेदांत कि रुचि हो गॉड और वर्ल्ड के बीच में सेपरेशन क्रिएट करो, जिससे जो भक्त हैं वो भगवान की पूजा कर सकें, जिससे इसका प्रचार प्रसार हो सके। तो उसमें दो फेमस गॉड निकलेंगे इंडिया के, जो कि विष्णु जी के ही अवतार हैं, इसलिए इसको वैष्णव वेदांत बोलते हैं, ठीक है। वैष्णव मतलब क्या? बेसिकली गॉड। अद्वैत मतलब क्या? ओनली कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट। वैष्णव मतलब क्या? गॉड भी एग्जिस्ट करते हैं और वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है। तो दो फेमस लोग निकलेंगे, विष्णु के दो अवतार, सबसे पहले रामायण के राम और फिर महाभारत के कृष्ण। कृष्ण फन लविंग अवतार हैं, ऑलवेज हैड अ स्माइल। राम हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, यू नीड टू बी एथिकली राइट, यू नीड नॉट बिकम बिटर। और तीसरे हो जाएंगे न्यू वेदांता, जब ये देखेंगे कि इंडिया में कॉन्शियसनेस है तो लोग इस वर्ल्ड को सोच के सभी चीज़ों से संन्यास लेके कि लाइफ क्या है, मरना ही है, जीना ही है, तो लोगों को वापस दिस वर्ल्ड में लाने के लिए, फिर स्पिरिचुअलिटी और दिस वर्ल्ड के बीच में बैलेंस क्रिएट करने के लिए न्यू वेदांता होगा। तो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वेदांता, AVN, अद्वैत वेदांत, वैष्णव वेदांत, न्यू वेदांत। फिर एथिक्स के हिसाब से पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है, तो वो इन तीनों के हिसाब से चेंज हो जाएगा। जो मानेगा कि अद्वैत वेदांत है, सिर्फ कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट कर रही थी, उसके लिए पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या होगा? रियलाइज़ करना, मोक्ष,
मतलब रियलाइज़ करना कि यू आर दैट अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, और उसको कैसे करोगे आप, उसके लिए कुछ नहीं है, कॉन्सेंट्रेट करो अपने अंदर, झांको, ज्ञान मार्ग के लिए जाओ, ऐसा बोलेंगे अद्वैत वेदांत वाले। वैष्णव वेदांत वाले क्या बोलेंगे, कृष्णा ने गीता में कहा है कि ध्यान मार्ग, कर्म मार्ग, जो भी मार्ग है तीनों में से कोई भी मार्ग चूज़ कर लो, मुझ तक ही पहुँचोगे, तो कैसे भी कर लो, चाहे आराधना पे फोकस करो, ठीक है, मोक्ष, लेकिन ये भी बोलेंगे लाइफ का पर्पस है। जो न्यू वेदांता वाले हैं वो भी मुझे लगता है यही बोलेंगे कि लाइफ का पर्पस क्या है, मोक्ष तो पाना ही है लेकिन इस वर्ल्ड को भी अच्छा बनाए रखना है, वो इस टाइप से बोलेंगे, ठीक है। तो एनीवे, लेकिन हम आ जाते हैं किस पर, जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल वाली चीज़ पे आ जाते हैं। तो लाइफ का पर्पस क्या है, पर्पस है मोक्ष पाना। वेदांत क्या बताता है कि हाउ टू अचीव पर्पस ऑफ लाइफ, तो उसके लिए 5 प्रिंसिपल्स आपको लाइफ के फॉलो करने होते हैं। 5 प्रिंसिपल, गिनती शुरू करो, 1 से शुरू होगी गिनती, तो 1 के बाद 3, 1 में 3 जोड़ा 4, 4 इंटू 4 16, तो 1 3 4 4 16, ये 5 चीज़ें करनी होती है। एक क्या है, पहली चीज़ है कर्मा धर्म पुनर्जन्मा प्रिंसिपल, दैट इज़ कर्मा प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा आ जाएगा 3 से 3 ऋण होते हैं, गुरु ऋण और कौन सा, पितृ ऋण, गुरु ऋण और इस टाइप से होते हैं 3 ऋण, ठीक है, ब्राह्मण ऋण, पता नहीं क्या क्या, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, कुछ इस टाइप से। फिर 4 पुरुषार्थ होते हैं, ठीक है। पुरुष का काम क्या है, ड्यूटी करना, तो DAKM, ड्यूटी यानी धर्म, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। फिर 4 वर्णाश्रम धर्म, वर्ण यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो ब्राह्मण यानी ब्रह्मचर्य से शुरू होगा, तो BGVS, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वान्यप्रस्थ और संन्यास, BGVS। फिर 16 संस्कार होते हैं, लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट आते हैं आपके, उन टर्निंग पॉइंट को आप स्मूथली एग्जीक्यूट कर जाओ उस टर्न को, तो उसके लिए वहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो ऐसे होते हैं 16 संस्कार, मुंडन, गर्भधान, इस टाइप से अंतिम संस्कार। तो ये हो गया, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा इसमें, इसमें स्पेसिफिकली उठाओ आप गीता को, ठीक है। गीता क्या है, बेसिकली वैष्णव वेदांत का ही टाइप है ना, क्योंकि वैष्णव वेदांत में कृष्ण है। गीता, तो गीता की एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एथिक्स क्या है, तो एक तरह से वैष्णव वेदांत से निकला है ना ये, और ये भी जो मैं एथिक्स बता रहा हूँ ये एक तरह से मुझे लगता है शायद गीता से निकले हों या कैसे निकले हों, बेसिकली ये वेदांत से डिराइव्ड है। तो गीता की एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एथिक्स आएगी। तो गीता का सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, उपनिषद ही है। उपनिषद की जो हार्डकोर फिलॉसफी है उसे स्टोरी फॉर्मेट में कर दिया है कि लोगों के बीच आसानी से ये प्रचलित हो जाए, फेमस हो जाए। मेटाफिजिक्स क्या है, थियोरी ऑफ रियलिटी, तो वैष्णव वेदांत है, तो ये मानेंगे कि हाँ भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान कौन है, विष्णु, विष्णु का अवतार है कृष्ण जी, सोल भी एग्जिस्ट करती है ये बोलेंगे, और वो इमॉर्टल है। वर्ल्ड, वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है, वर्ल्ड क्या है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच की स्टेज है बस। फिर गीता का एथिक्स क्या होगा, पर्पस ऑफ लाइफ है मोक्ष, और हाउ टू अचीव पर्पस ऑफ लाइफ, तो इसमें आप 5 प्रिंसिपल को फॉलो करो, LANSS, दैट इज लेंस, एल से क्या हो जाएगा, लोक संग्रह, ए से अवतारवाद, एन से निष्काम कर्मयोग, एस से स्वधर्म और एस से स्थित प्रज्ञा। तो लोक संग्रह क्या होगा, लोक यानी सोशल, लोग यानी पीपल, पीपल यानी सोसाइटी, सोशल, संग्रह यानी गुड, तो लोक संग्रह यानी सोशल गुड। तो जो स्थिर प्रज्ञा में आ जाते हैं वो सोशल गुड के लिए ही काम करते हैं, ठीक है। तो वैसे लोगों का कोई कार्मिक बैलेंस नहीं क्रिएट कर होता, यही कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म में बोधिसत्व के नाम से, जिसने अपना एनलाइटनमेंट रोका हुआ है कि वो सोसाइटी को एनलाइटन करवा सके। फिर अवतारवाद में भी गीता मानती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भूत भूतले, कुछ इस टाइप से है, जब भी धर्म डिक्लाइन होगा और अधर्म राइज करेगा तो भगवान जी आएंगे और रिस्टोर कर देंगे बैलेंस में, तो डिवाइन इंटरवेंशन में विश्वास करती है गीता। तीसरा निष्काम कर्मयोग, अब इंपॉर्टेंट है, NSS, जिसको आप लाइफ में यूज़ कर सकते हो, निष्काम कर्मयोग, दैट इज अटैच डिटैचमेंट, डिटैच अटैचमेंट, अटैच रहो वर्क को, ना कि आउटकम से रिलेटेड। इसमें श्लोक हो जाएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अटैच टू वर्क, दैट इज़ ये निष्काम कर्मयोग। कर्मयोग क्या होता है, ठीक है, अटैच डिटैचमेंट, डिटैच अटैच, निष्काम यानी कि काम आप आउटपुट से अटैच ही नहीं हो। कर्मयोग क्या है कि डू वर्क विथ 100% अटेंशन, और इस तरह से कि आप उस ऑब्जेक्ट के साथ वन हो जाओ। तो जब आपको और आपके आसपास की सराउंडिंग में कोई डिफरेंस नहीं हो, जब एक ही फील हो, यूनिटी, तो फिर दैट स्टेज इज कॉल्ड योग। तो जब आप काम कर रहे हो 100% अटेंशन के साथ काम करो, तो यू विल रियलाइज कि यू हैव बिकम वन विद द ऑब्जेक्ट। उस समय स्पेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, टाइम का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, एंड दैट इज द बेस्ट स्टेट टू बी इन। जैसा आपको खेलते वक्त कभी कभी लगता होगा कि टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। देन स्वधर्म, स्वधर्म यानी स्व प्लस धर्म, स्व यानी योर, धर्म यानी ड्यूटी। तो आपकी खुद की ड्यूटी क्या है, तो दो तरह की ड्यूटी बताई जाती है, एक जनरल ड्यूटी जो कि मेंशन्ड है कि इसमें मनुस्मृति में 10 चीज़ें जो सबको करनी चाहिए, गुस्सा नहीं हो,
क्लीनलीनेस मेंटेन करो, इस टाइप की जनरल ड्यूटीज़ और स्पेसिफिक ड्यूटी जो आपको अपने वर्णा के बेसिस पे करनी होती है। अज्यूमिंग वर्णा क्या है, एक ओपन सिस्टम है, तो उसमें अपनी एबिलिटी के हिसाब से लोग या तो ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसे भी हों, टीचिंग के काम में जाएँ, बिजनेस में जाएँ, जैसा भी काम करें, अपनी एबिलिटी के बेसिस पे, अपने एप्टीट्यूड के बेसिस पे लोगों को एक वर्क अलॉट हो जाएगा। अब आपका काम क्या है, आप जो आपको काम मिला है वो करिए, सर्वे ऑफ इंडिया में है तो सर्वे ऑफ इंडिया का काम करिए, यही आपका स्वधर्म बन जाएगा। लेकिन ये उन लोगों का है जिन्हें सर्वे में इंटरेस्ट भी है और सर्वे में एबिलिटी भी है। स्वधर्म मतलब बेसिकली ये है कि उस चीज़ को करना जो आपको पसंद है और जिसमें आप अच्छे हैं। इसी कॉन्सेप्ट को जापानीज इकिगाई के कॉन्सेप्ट से बोलेंगे, वो को एक दो चीज़ें और ऐड कर देंगे कि आपको पसंद है, आप उसमें अच्छे हो, दुनिया को इसकी ज़रूरत है एंड यू कैन गेट पेड फॉर इट, कुछ इस टाइप से। लेकिन ये चीज़ वही है स्वधर्म, ठीक है, समथिंग जिसकी जिस जो करने की आपके अंदर एबिलिटी है और जिसके लिए आपको जिसमें आप अच्छे हैं और जो आपको करना पसंद भी है। फिर आएगा स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा यानी स्टेबल इंटेलेक्ट, ठीक, कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सुकून, जिसमें जितनी गहराई उतना ही खामोश है। स्टेबल इंटेलेक्ट मतलब खुशी में ऐसा नहीं कि चिल्ल बहुत ज़्यादा खुश हो गए और दुख में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चिल्लपो मचाने लगे। इसका एग्जांपल कृष्णा से दिखाया जाता है कि कृष्णा ने बहुत ढेर सारी लाइफ में प्रॉब्लम फेस की, लेकिन जब भी थे वो हमेशा उन्होंने अपने चेहरे पे एक स्माइल रखी और एक गेम की तरह खेला उन्होंने लाइफ को, एंड दिस इज़ व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम हिम। तो ये गीता के हो गए। अब गीता से ही डिराइव्ड हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर जैसे गांधी जी, फिर साउथ का वेद जो होगा, अब ये वेदास की बात कर रहे हैं ना, तो साउथ का वेद तिरुकुरल और स्वामी विवेकानंद, वो तो न्यू वेदांता को मानते थे, तो वैष्णव वेदांत को गांधी जी मानेंगे, मतलब अद्वैत वेदांत को शंकराचार्य मानेंगे, वैष्णव वेदांत को गांधी जी मानेंगे, न्यू वेदांता को स्वामी विवेकानंद मानेंगे। तो आप इनके बारे में भी कुछ कुछ लिख सकते हो, हालांकि मतलब मोटा मोटा लिख सकते हो, इनके बारे में मैं क्यों पढ़ रहा हूँ आई डोंट नो। एपिस्टेमोलॉजी, गांधी जी की एपिस्टेमोलॉजी क्या है, वो इंडियन थिंकर्स वेस्टर्न थिंकर्स तीनों से ही इंस्पायर्ड थे, ठीक है। तो गांधी जी को देखोगे तो गांधी जी की सोर्स ऑफ नॉलेज, तो जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ होती हैं ऐसा नहीं है कि अब वो कोई ओरिजिनल आइडिया देंगी। ऑलरेडी ये फिलॉसफी पढ़ने का क्या मतलब है कि लोग बहुत ज़्यादा सोच चुके हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा कुछ उन्होंने दे दिया ऑलरेडी, तो अब बचा नहीं है, अब बस यही है कि आप अलग अलग लोगों को पढ़ो, उनमें से जिनने का आइडिया के साथ आप रेजोनेट करते हो उसको अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लो। बस गांधी जी ने भी वही किया कि सोर्स ऑफ नॉलेज, उन्होंने इंडियन थिंकर्स को पढ़ा, वेस्टर्न थिंकर्स को पढ़ा, जिसकी जो बात अच्छी लगी उसको अपने व्यवहार में लाया और उसकी वजह से उनकी एक मिलीजुली एक पर्सनैलिटी बन गई। तो इंडियन थिंकर्स में उन्होंने क्या पढ़ा, तो इंडियन फिलोसोफर्स ऑब्वियसली सबसे पहले शुरू होगा वेदास, फिर वेदास की जो वेदास में बिलीव करते थे तो योगा से, और वेदास में जो नहीं बिलीव करते थे जैन से, तो ऐसे तीन से वो मतलब इंस्पायर हो जाएंगे। तो सबसे पहले वेदांत में ईश्वर से मिदाम सर्वम को मानेंगे कि भगवान हर चीज़ में वास करते हैं, तो जो इंसान ऐसा मानेगा वो एनिमल में भी देखेगा भगवान को, अनटचेबल्स में भी देखेगा भगवान को, नेचर में भी देखेगा, तो वो सबकी रेस्पेक्ट करने को बोलेगा। फिर जो वेदांत में मानते हैं दैट इज़ योग, योग से उन्होंने यम का नियम लिया, यम मतलब कि जो जैनिज्म में जो पंचव्रत हैं उसी को योग में यम बोला जाता है, ठीक है। फिर उन्होंने जैनिज्म से उन्होंने पंचव्रत का कॉन्सेप्ट लिया। वेस्टर्न थिंकर तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि वेस्टर्न थिंकर में जेनिफर लोपेज से काफ़ी क्या बोल सकते हैं, काफ़ी पसंद करते थे गांधी जी ऐसे याद रखने के लिए। तो उसमें जे से क्या याद हो जाएगा, दो लोग, स्वयं भगवान और एक इंसान जीसस और जॉन रस्किन। एल से याद हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय, और ओ से थोरियो, तो एच डी थोरियो। तो सबसे पहले जीसस के एस से याद आ जाएगा, स्लैब को एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरे गाल पे, ठीक है। अगली चीज़ जॉन रस्किन, जॉन रस्किन रस से क्या आ जाएगा, रश फॉर डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट किसका, सभी का, और जो लाइन में लास्ट खड़ा है, ठीक है। तो सभी का तो भला चाहिए लेकिन लाइन में जो लास्ट खड़ा है उसका भी भला चाहिए, ठीक है। तो एक सर्वोदय का कॉन्सेप्ट, एक अंत्योदय का कॉन्सेप्ट, सर्वोदय एवरीवन शुड बी हैप्पी, अंत्योदय लास्ट गाय शुड बी हैप्पी। फिर एल से क्या हो जाएगा, एल से हो जाएंगे लियो टॉल्स्टॉय, तो टॉय मतलब स्टेट क्या है, स्टेट एक खिलौना है, तो यानी पैसिफिस्ट एनार्सिस्ट थे कि स्टेट के अगेंस्ट थे गांधी जी, क्योंकि वो मानते थे स्टेट स्वधर्म से रोकता है लोगों को, उनकी फ्रीडम ले लेता है। और फिर क्या हो जाएंगे, ओ थोरियो, तो एच डी थोरियो, थोरियो यानी ठोको, ठोको यानी मूवमेंट, तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट उन्होंने एच डी टी इनसे लिया, ठीक है। फिर मेटाफिजिक्स गांधी जी की, कि रियलिटी को लेके क्या सोचते हैं, भगवान यूनिवर्स वर्ल्ड इनके बारे में क्या विचार हैं उनके, तो वही इंडियन थिंकर से इंस्पायर्ड कि सबसे पहले वेदांत, फिर वेदांत के फेवर में योग, और फिर उसके अपोज में जैन, इन्हीं तीनों से उन्होंने लिया है। तो जो वेदांत ईश्वर से मिदाम सर्वम मानेगा वो क्या मानेगा, कि ये बड़ा सर्कल गॉड है, उसी के अंदर वर्ल्ड है। तो जब एनिमल और नेचर में भी भगवान ही है, ठीक है, तो वो ये मानेंगे कि भगवान है, उनके अंदर वर्ल्ड है।
जैनिज्म से गांधी जी पंचव्रत का कॉन्सेप्ट लेंगे, योग से यम का कॉन्सेप्ट लेंगे। जैनिज्म के पंचव्रत क्या हैं साहब? सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और छह वो अपने डाल देंगे पासू कि फिजिकल वर्क करना चाहिए, अभय, डरना नहीं चाहिए, अस्वाद, टेस्ट के लिए खाना नहीं करना चाहिए, स्वदेशी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, और अनटचेबिलिटी। तो छह वो अपने डाल देंगे, पांच पंचव्रत डाल देंगे, और योग से ले लेंगे यम, जो कि बेसिकली पंचव्रत के ही पांच प्रिंसिपल हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। फिर गांधी जी के अकॉर्डिंग पर्पस ऑफ लाइफ क्या होगा? आत्मिक विकास, सेल्फ का प्रोग्रेस करना। हाउ टू अचीव पर्पस ऑफ लाइफ? अपने स्वधर्म को फॉलो करो। स्वधर्म यानी वो काम करो जो आपको करना आता है, जिसके लिए एबिलिटी है आप में, और जो करने में मज़ा आता है, दैट इज़ पैशन, ठीक है। और आपके मीन्स भी अच्छे होने चाहिए और एंड भी अच्छे होने चाहिए। फिर साउथ का वेद आ जाएगा तिरुकुरल, वेज, नॉन वायलेंस, शेयर इंटॉक्सिकेशन, लस्ट अंडर कंट्रोल, ये इन चीज़ों की बात करेगा। गांधी जी टाइप का ही मामला लग रहा है ये सारा। फिर स्वामी विवेकानंद जी न्यू वेदांता एस्टैब्लिश करेंगे, स्पिरिचुअलिटी प्लस दिस वर्ल्डलीनेस, स्ट्रक्चर दे देंगे हिंदुइज्म को जो बिखरा हुआ था, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट शुरू करेंगे। और स्वामी विवेकानंद से फर्स्ट जनरेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, वो सब इंस्पायर हो जाएंगे, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट और चलो ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी से दो चीज़ें आप याद रख सकते हो, स्वामी परमहंस के PFL से याद रख सकते हो, परमहंस, फॉरेन और शिकागो, ये तीन चीज़ें इनसे याद रख सकते हो। पी से परमहंस के पास जब वो गए, उन्होंने पूछा हु आर यू, तो उन्होंने कहा वही जानने आया हूँ, शिवोहम शिवोहम। फिर PCF, सी से शिकागो, तो शिकागो में उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पे काफ़ी तालियां बटोरी। फिर एफ फॉरेनर, कि टी मेक्स जेंटलमैन या सी मेक्स जेंटलमैन, ठीक है, आप ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पे टेलर आपको जेंटलमैन बनाता है, मैं ऐसी कंट्री से हूँ जहाँ कैरेक्टर मुझे जेंटलमैन बनाता है। ये लाइन आई कैन यूज़ बिकॉज आई डू नॉट ड्रेस वेल। स्पोर्ट्स, उन्होंने कहा कि बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। तो एनीवे, हमने पढ़ा वेदांत, वेदांत से निकले, वेदांत में एक टाइप है, वेदांत के टाइप हैं एवियन, अद्वैत, वैष्णव और न्यू। वैष्णव वेदांत से एक टाइप निकला गीता, गीता को फॉलो करते थे गांधी जी। न्यू वेदांत, न्यू वेदांत को फॉलो करते थे स्वामी विवेकानंद। ये तो नॉर्थ का वेदांत हुआ, इसी तरह साउथ का वेदांत है तिरुकुरल, ठीक है। तो आपने अद्वैत वेदांत पढ़ लिया, अब वेस्ट में इसका काउंटर पार्ट आ जाएगा हीगल का परफेक्शनिज्म या आइडियलिज्म। ये बेसिकली तीन टाइप के हैं ना, अद्वैत वेदांत, वैष्णव और न्यू वेदांत। तो जो हीगल का आइडियलिज्म है या परफेक्शनिज्म है, वो अद्वैत वेदांत का काउंटर पार्ट है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। आएगा परफेक्शनिज्म, जो कि अद्वैत वेदांत का वेस्टर्न काउंटर पार्ट है। परफेक्शनिज्म डेवलप हुआ था अगेंस्ट इवोल्यूशनिज्म, ठीक है, कि ह्यूमन और एनिमल में क्वालिटेटिव डिफरेंस होता है, ह्यूमन एनिमल से बड़े हैं, मैं बंदर का बच्चा नहीं हूँ। तो इट वाज अगेंस्ट हर्बर्ट स्पेंसर्स इवोल्यूशनिज्म। एनीवे, इनकी थियोरी क्या है? इनकी थियोरी भी मेटाफिजिक्स को लेके क्या है, गॉड, रियलिटी, थियोरी ऑफ रियलिटी, दैट इज़ गॉड, यूनिवर्स, सोल, इसको लेके क्या है कि जैसे अद्वैत वेदांत में है कि सिर्फ ब्रह्मन ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कॉन्शियसनेस ही एग्जिस्ट करती है। ये ब्रह्मन के लिए शब्द यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट आइडिया का। वो भी मानते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है, मैटर क्रिएट करती है, मैटर है नहीं, वो एक इल्यूजन है। अब इस चीज़ को समझाते कैसे हैं, इस चीज़ को समझाते हैं ड्रीम का यूज़ करके, कि जैसे हम लोग सपने देखते हैं उसी तरह ब्रह्मन भी एक सपना देख रहा है। अब ब्रह्मन क्या कर रहे हैं, अपने सपने में सोच रहे हैं। सोचने का तरीका क्या है, 2-3 डायलेक्टिक मोड में सोच रहे हैं, ट्रायड। इसका रिजल्ट क्या है उनकी सोच का, कि स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। जब ब्रह्मन सोचते हैं तो उससे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होता है। इसी स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन की रिफ्लेक्शन है ये दुनिया। तो क्योंकि ये रिफ्लेक्शन मात्र है, इसलिए इसको माया कहते हैं, ठीक है, इल्यूजन कहते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, बस ऐसा दिख रहा है, ये रिफ्लेक्शन मात्र है उनके सोच का, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मा सोच क्यों रहा है, ब्रह्मन एब्सोल्यूट आइडिया सोच क्यों रहा है, क्योंकि एब्सोल्यूट आइडिया अपने आप को समझना चाह रहा है, ठीक है, इट वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड इटसेल्फ। और उस प्रोसेस में वो सोचना शुरू करता है कि मैं ये हूँ, नहीं नहीं मैं तो शायद ये हूँ, फिर उनका कुछ कंक्लूजन निकलता है, अरे नहीं नहीं फिर मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। तो इस तरह से ये जो सोच है उसकी वजह से स्पिरिचुअल इवोल्यूशन हो रहा है। अब इसको समझते हैं कि डायलेक्टिक मोड ऑफ थिंकिंग और ट्रायड क्या है। तो ब्रह्मन अपने आप को समझना चाह रहा है, अपने आप को समझना चाह रहा है, तो इसलिए वो सोचना शुरू करता है। तो सोचता है कि नहीं मैं ये हूँ, नहीं नहीं मैं तो ये हूँ। तो उसमें एक एक्सट्रीम सोचेगा, फिर दूसरा एक्सट्रीम सोचेगा, और फिर उन दोनों के बीच कहीं एक कंक्लूजन आ जाएगा। इसी को ट्रायड बोलते हैं, कि सबसे पहले एक आइडिया आएगा सिंथेसिस, फिर उसके ऑपोजिट आइडिया आएगा एंटी सिंथेसिस, फिर इन दोनों को कंबाइन करके इनके बीच में कुछ हो जाएगा सिंथेसिस। पता नहीं क्या बोलती है, मतलब एक आइडिया आएगा, फिर उसके ऑपोजिट आएगा, फिर इन दोनों के बीच के आइडिया पे हो जाएगा। लेकिन फिर वो यहाँ पर रुकेगा नहीं, क्यों? क्योंकि चेंज इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट, और न्यू आइडिया, इन्विंसिबिलिटी ऑफ न्यू, ION, दैट इज़ इन्विंसिबिलिटी ऑफ न्यू।
और वो कंटिन्यू करेगा सोचना, फिर सोचेगा एक आइडिया, फिर उसके ऑपोजिट का आइडिया सोचेगा, फिर इनके बीच के किसी कंक्लूजन पे आएगा। ये स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होता रहेगा। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे को सही लगने लगता है कि कुछ कुछ रीज़न तो है इसमें कि ये चीज़ सही लग रही है। क्यों? सोचने में कौन मदद करेगा ब्राह्मण को? कॉन्शियसनेस, दैट इज़, और पोर्टल्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों, जब आप बच्चों को क्रिएट करते हो तो वो एक थिंकिंग बींग आता है, ठीक है। इवोल्यूशन क्या है? स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, कि पहले आप अमीबा थे, कम कॉन्शियसनेस थी, उससे बंदर बने, ज़्यादा कॉन्शियसनेस हुई, अब इंसान बने हो, अब और ज़्यादा कॉन्शियसनेस हो गई है, ठीक है। ऐसे ही कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती जा रही है ना, और ज़्यादा हम चीज़ों को परसीव कर सकते हैं। तो और सबसे ज़्यादा नेचर भी किस चीज़ को प्रमोट करता है? इसी चीज़ को प्रमोट करता है कि इवोल्यूशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जिसका कॉन्शियसनेस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जो सबसे ज़्यादा फिट हो, वही आगे जाए, बाकी सब मरते जाएँ। तो जो बेस्ट कॉन्शियसनेस होगा वो अपने आप को समझने में सबसे ज़्यादा केपेबल होगा, ठीक है। इसीलिए शायद ऐसा है कि नेचर को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके डिज़ायर्स वगैरह क्या है, नेचर को बस इससे फ़र्क पड़ता है कि डिड यू रिप्रोड्यूस और नॉट। अगर आप फिट थे तो यू शुड रिप्रोड्यूस, इसीलिए डिज़ायर टू हैव सेक्सुअल प्लेजर इज़ मैक्सिमम इन पीपल, इसीलिए ये वाला डिज़ायर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए बॉलीवुड में ज़्यादातर मूवी रोमांटिसाइज की जाएंगी, ठीक है। यंगस्टर्स में ही एनर्जी ज़्यादा है जो बच्चे पैदा कर सकते हैं। और फिर क्या है कि एक जनरेशन ख़त्म हो, उसके एक्सपीरियंस उनके बच्चों में आए और फिर नेक्स्ट जनरेशन आए, इसीलिए पेरेंट्स में जानबूझ के एक प्यार होता है बच्चों के लिए कि उनको पाले पोसे और बड़ा करें। ये सारी चीज़ें इसी चीज़ की ओर फेवर करने की लगती हैं कि मानो सही में ऐसा है कि पोर्टल्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहा है ब्रह्मन, और एब्सोल्यूट आइडिया इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इटसेल्फ, और उसमें वो उसके स्पिरिचुअल इवोल्यूशन जो हो रहा है वही इवोल्यूशन हमारी लाइफ में हो रहा है, ठीक है। एनीवे, तो इनके अकॉर्डिंग, परफेक्शनिज्म के अकॉर्डिंग, व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ लाइफ? तो पर्पज़ ऑफ लाइफ जो ये मानेगा कि ये सब एब्सोल्यूट आइडिया के ड्रीम में चल रहा है, तो हम भी वही हैं, तो सेल्फ रियलाइजेशन को ये मानेंगे, ठीक है। और उस हाउ टू अचीव पर्पज़ ऑफ लाइफ, तो ये एक्सट्रोवर्टिव एथिक्स नहीं, इंट्रोवर्टिव एथिक्स कुछ इस टाइप की बात करेंगे। तो आपने लेवल टू की भी बातें देख ली। लेवल वन पे था कि मुझे पता ही नहीं है, मैं जान ही नहीं सकता, यहाँ पे बात करना ही मुश्किल हो जाएगा। ISI, इमैनुअल कांट, सोफिस्ट, इंट्यूशनिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, इस तरह के लोग आएंगे। लेवल टू जो बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को पता है, मुझसे पूछो ना, ये सब इल्यूजन है, सिर्फ कॉन्शियसनेस होती है, लाइफ का पर्पज़ है रियलाइज़ करना कॉन्शियसनेस को। तो अद्वैत वेदांत हमने देखा, उसका और प्रैक्टिकल फॉर्म गीता देख ली। कांत भी प्रैक्टिकल लेवल पर आए, तो क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में उन्होंने 3 postulates ऑफ मोरालिटी दे दिए। फिर तीसरी चीज़ इसका वेस्टर्न काउंट, अद्वैत वेदांत का वेस्टर्न काउंटर पार्ट, हीगल का परफेक्शनिज्म आइडियलिज्म देख लिया। तीसरा क्वांटम मैकेनिक्स, नील बोर, हाइजनबर्ग, इन सबको देखोगे तो ये सब बोलते हैं कि हाँ वेदांत में ही वो आंसर खोजने जाते हैं, ठीक है। फिर लेवल थ्री जो बोलेगा कि नहीं नहीं मेरे को पता है, और मेरे को ये पता है कि ये सब इल्यूजन वगैरह नहीं है, तो जो ऐसा मानेगा वो इसी लाइफ को जीने की कोशिश करेगा, उसका कुछ सेल्फ रियलाइजेशन वाला फंडा होगा नहीं। तो वैसे लोग आएंगे पर्पज़ ऑफ लाइफ को 3 चीज़ों को लेके, ठीक है। व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ लाइफ? तो इसमें मिडल पाथ, या फिर टू बी हैप्पी, या टू सेक्रीफाइस एंड लिव अ वर्चुअस लाइफ। प्लेजर के पीछे भागो, प्लेजर से दूर भागो, ना प्लेजर के पीछे भागो ना प्लेजर से दूर भागो, बैलेंस लाइफ जियो। तो हम सबसे पहले बैलेंस्ड वालों पे आते हैं, बुद्धिज्म इंडिया के, और इनका काउंटर पार्ट सोक्रेटिस हो जाएगा वेस्ट में, और चाहो तो इसमें गीता को पकड़ लेना। तो बुद्धिज़्म और इस पे आ जाएं आप, तो बुद्धिज़्म में आ जाते हैं। तो बुद्धिज़्म की एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एथिक्स क्या है? एपिस्टेमोलॉजी में 2 sources ऑफ नॉलेज, PI में विश्वास रखते हैं, परसेप्शन और इन्फरेंस। मेटाफिजिक्स जो इंसान बोलेगा कि परसेप्शन में विश्वास रखेगा वो भगवान में मानेगा, ऑब्वियसली नहीं मानेगा क्योंकि भगवान दिखेंगे ही नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए लिखा जा सकता है, सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। एनीवे, तो मेटाफिजिक्स में वो भगवान पे विश्वास नहीं करेंगे, तो ये किस पे विश्वास करेंगे? ये विश्वास करेंगे CC पे, CC यानी कॉन्शियसनेस और चेंज पे। वो ये मानेंगे कि सिर्फ एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है और कुछ नहीं, और वो विश्वास करेंगे चेंज में कि चेंज इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट, नो मैन स्टेप्स इन द सेम रिवर ट्वाइस बिकॉज इट इज़ नॉट द सेम रिवर एंड ही इज़ नॉट द सेम मैन। बच्चा एडल्ट एक दिन में थोड़ी बनता है, वो तो एक कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ये तो हमारे सेंसेस की डेफिशिएंसी है कि हम उस चेंज को परसीव नहीं कर पा रहे। तो इनका एपिस्टेमोलॉजी PI, परसेप्शन इन्फरेंस, इनका मेटाफिजिक्स नो गॉड, देयर इज ओनली कॉन्शियसनेस एंड चेंज। और एथिक्स में क्या है? पर्पज़ ऑफ लाइफ बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग मोक्ष है, जिसे वो निर्वाणा कहते हैं। हाउ टू अचीव पर्पज़ ऑफ लाइफ? उसके लिए आप यूज़ करिए 2 चीज़ें, 4 noble truths और 4 चीज़ें और कैम्स। 4 noble truths और उसको कैमरा में खींच रख के फोटोज़ की रख लो, कैम्स, ठीक है। नो या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, नोबल लोगों के पास कैमरा होता है तो कैम्स। तो 4 noble truths क्या है? लाइफ इज़ सफरिंग बट देर इज़ कॉज ऑफ सफरिंग, कॉज ऑफ सफरिंग इज़ डिज़ायर, ठीक है। देर इज़ अ वे टू एंड सफरिंग एंड दैट इज़ बाई एंडिंग डिज़ायर।
हाउ टू एंड डिज़ायर, तो उसके लिए एट फोल्ड पाथ का यूज़ करो। एट फोल्ड पाथ मतलब क्या है, राइट माइंड राइट स्पीच राइट एक्शन। राइट माइंड यानी सही थॉट आना चाहिए, फिर जो थॉट आया वही बोलो, जो आप बोलोगे वही होगा, ठीक है। सही सोचो, जो जिस इंसान सही थॉट रखेगा वो सही चीज़ें बोलेगा, जो चीज़ आप बार बार बोलोगे वही चीज़ आपके एक्शन में नज़र आएंगी। अब राइट माइंड कैसे रखोगे, तो सबसे पहले मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करोगे तो आपको कौन से थॉट आए आपके दिमाग में उस पर कंट्रोल आ जाएगा। जिसका थॉट पे कंट्रोल आ गया ऑब्वियसली वो सच को दिमाग में रखेगा, जो ईविल चीज़ें उसे हटा देगा, ठीक है। फिर सच ऐसा टंकी चीज़ बोलो, कोई भी हर्टफुल चीज़ मत बोलो। फिर एक्शन, तो घर में क्या एक्शन होना चाहिए कि सभी लोगों को अच्छे से ट्रीट करो, ऑफिस में क्या एक्शन होना चाहिए कि ढंग का लाइवलीहुड करो, तो ये एट फोल्ड पाथ है। फिर कैम्स में क्या है, CAMS बुद्धिज्म चेंज ऑफ हार्ट में बिलीव करता है, आत्मदीपो भव मिडिल पाथ और सोशल इक्वालिटी में। तो चेंज ऑफ हार्ट मतलब एक टर्निंग पॉइंट आता है जब इंसान बुरे से अच्छा बन जाता है, वाल्मीकि अंगुली मिल एट्सेट्रा। आत्मदीपो भव मतलब अपने दीपक खुद बनो, किसी के पीछे नहीं डिपेंडेंट रखो, कोई मदद नहीं कर सकता। जी कृष्णमूर्ति भी यही बोलते थे, आपको खुद ही अपने आप को सही करना पड़ेगा, खुद ही ट्रुथ को जानना पड़ेगा, ठीक है। फिर मिडिल पाथ पे बुद्धिज्म विश्वास करता है, जिसे गोल्डन मीन कहते थे, ठीक है, वर्च्यू एथिक्स में। फिर उसके बाद सोशल इक्वालिटी में भी ये विश्वास रखता है, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो मिडिल पाथ में विश्वास रखेगा वो क्या है, माइंडफुल कंजम्पशन में विश्वास रखेगा, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ना माइंडलेस कंजम्पशन, ठीक है, और ना ही माइंडलेस कंजम्पशन होना चाहिए, और ना ही बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है। तो माइंडफुल कंजम्पशन करोगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया किसने, अंबेडकर जी ने, ठीक है। आई जज अ सोसाइटी बेस्ड ऑन हाउ दे ट्रीट वेमेन। अब मिडिल पाथ को दूसरा बंदा जो आएगा जो बोलेगा वो होंगे सोक्रेटिस। फिर क्या है, ग्रीक फिलोसफी में सोक्रेटिस आएंगे, वो भी बैलेंस लाइफ जीने के बारे में बताएंगे। एंड ही विल कम टू अपोज सोफिस, जो कि बोलेंगे कि सारी चीज़ें रैंडम है, ठीक है। होमा मेंसुरा का कॉन्सेप्ट देंगे, सब्जेक्टिव रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट देंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव एथिक्स बनाना चाहते थे कि आप एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकते हो जिसमें वर्चू है वो मॉरल है, जिसमें वर्चू नहीं है वो इमॉरल है। और दूसरा यूनिवर्सल एथिक्स, की सोसाइटी ढंग की बन सके। तो सोक्रेटिस के अकॉर्डिंग लाइफ का पर्पस क्या है, कि ब्लेस्ड लाइफ हो। ब्लेस्ड लाइफ कब होगी, जब आप बैलेंस लाइफ जियोगे। बैलेंस लाइफ कब होगी, जब आप वर्चू डेवलप करोगे। हाउ टू अचीव पर्पस ऑफ लाइफ, तो उन्होंने कहा कि वर्चू डेवलप करो, एक ही वर्चू डेवलप करनी है, विच इज़ विजडम। विजडम का मतलब ये है कि आप ये जानो क्या करना चाहिए, किसी एक सिचुएशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इतनी ही समझ। यही पर्पस होना चाहिए एजुकेशन का, कि वो इंसान को सिखा दे कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो एक ही वर्चू की बात करेंगे, यानी प्रिंसिपलिटी, प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी, या फिर यूनिटी ऑफ वर्चूज़। फिर इनके कोट को याद रख लो, ठीक है। एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, तो अपने बिलीफ अपने फेथ सबको एग्जामिन करते रहो। फ्रीडम, वी आर प्रिजनर्स ऑफ आवर डिज़ायर। रियल फ्रीडम तो ये है कि मैं ये डिसाइड करूँ कि मुझे क्या चाहिए और फिर मेरा हार्ट मुझे फॉलो करे, बल्कि होता उल्टा है, ठीक है। इंसान ये चाह सकता है, इंसान वो कर सकता है जो वो चाहता है, बट वो चाह नहीं सकता कि वो क्या चाहे। तो वी आर प्रिजनर्स टू आवर डिज़ायर्स, ठीक है। तो सोक्रेटिस के कोट्स याद रखने, तो कैसे याद रख सकते हो, सोक्रेटिस में ए आता है तो ए से क्या हो जाएगी, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, मैथेडिकल डाउट होना चाहिए, रेने डेकार्ट की भाषा में कहें। और दूसरा, सुकरात को जेल में डाला गया था, तो वी आर प्रिजनर्स ऑफ आवर डिज़ायर्स, उस प्याले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात कब का मर चुका होता। फिर प्लेटो और अरिस्टोटल आएंगे, प्लेटो भी बोलेंगे पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, बैलेंस लाइफ जीतनी है, साईं इतना दीजिए जामे को तुम समय। बैलेंस लाइफ यानी हर दिन थोड़ा खेलो, हर दिन थोड़ा पढ़ो, हर दिन थोड़ा काम करो, हर दिन थोड़ी एक्सरसाइज करो। हाउ टू अचीव पर्पस ऑफ लाइफ, ये बोलेंगे फोर कार्डिनल वैल्यूज़ आपको डेवलप करनी है, WCSJ, विजडम करेज सेल्फ कंट्रोल और जस्टिस। इंडिविजुअल के लेवल पे माइंड इमोशन डिज़ायर, स्टेट के लेवल पे रूलिंग क्लास वॉरियर्स एंड प्रोड्यूसर्स। तो जब विजडम के कंट्रोल में होगा करेज और सेल्फ कंट्रोल, तो अपने आप जस्टिस आएगा। माइंड के कंट्रोल में इमोशन और डिज़ायर होंगे तो अपने आप जस्टिस होगा, ठीक है। फिर विजडम के बारे में ये एक्सप्लेन करेंगे कि रियल नॉलेज क्या होती है, कॉन्सेप्ट या फिर आइडिया की नॉलेज होती है, ठीक है। तो सोक्रेटिस सिर्फ बता के गए कि विजडम डेवलप करना है, प्लेटो ने विजडम को डिफाइन किया कि रियल नॉलेज क्या है, कॉन्सेप्ट की होती है, आइडियाज़ की होती है, ना कि मटेरियल एस्पेक्ट की। तो गांधीज़म ज़्यादा ज़रूरी है, गांधी से गांधीज़म पता है तो कई गांधी क्रिएट कर लेंगे। एरिस्टोटल आएंगे, एरिस्टोटल भी बताएंगे पर्पस ऑफ लाइफ वही है, बैलेंस लाइफ जीना। ये बताएंगे एथिक्स और हाउ टू अचीव पर्पस ऑफ लाइफ, तो आपको उसके लिए वर्चूज़ डेवलप करने हैं। और इन्होंने क्या है, वर्चूज़ को और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि वर्चूज़ कैसे डेवलप करोगे आप। बाकी तो बोल रहे हैं कि डेवलप करो, लेकिन करोगे कैसे।
तो जब आप किसी नेचुरल डिज़ायर पर कंट्रोल करते हो तो उसका रिजल्ट ये है कि एक वर्चू डेवलप हो जाती है, और एक वर्चू कुछ नहीं है, दो एक्सट्रीम्स के बीच का गोल्डन मीन है। उन्होंने कहा ये जो चार वर्चू बता के गए हैं प्लेटो साहब, उसको आप दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो, रैशनल पार्ट और इमोटिव पार्ट। रैशनल पार्ट है विजडम, इमोटिव पार्ट है करेज, सेल्फ कंट्रोल और जस्टिस। सेल्फ कंट्रोल को टेम्परेंस बोलते हैं। तो आपने ये निपटा दिया मिडिल वाला पाथ, ठीक है। अब बचे दो लोग, एक वो जो कहते हैं लाइफ में सिर्फ प्लेजर के पीछे भागो, एक वो जो कि प्लेजर से दूर भागो, वर्चुअस लाइफ जियो। तो इनको पहले कवर कर लेते हैं, एसेटिज्म, JCS, जैनिज्म, सिनिसिज्म, स्टोइसिज्म। तो अब इनमें अगर हम देखें तो इनमें क्या आएगा, तो जैनिज्म वालों की एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एथिक्स, वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एथिक्स है इनकी। इनकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, तो जैनिज्म से एक ए वर्ड निकालो, एक एस निकालो, ए से हो जाएगा अनेकांतवाद और एस से हो जाएगा स्यादवाद। तो एपिस्टेमोलॉजी मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज, तो सोर्स ऑफ नॉलेज स्यादवाद, यानी नॉलेज क्या है, शायद ये इन्होंने लगाया हुआ है, स्याद यानी शायद, शायद यानी एक एलिफेंट छः मैन। तो रिलेटिविज्म की ये बात करेंगे कि सारी की सारी नॉलेज रिलेटिव होती है, सन अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, अब आपके रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। अर्थ के अंदर बैठे हो तो सन घूमेगा अर्थ के चारों ओर, सोलर सिस्टम में बैठे हो तो सन के अराउंड प्लैनेट घूम रहे हैं, सोलर सिस्टम के बाहर निकल गए तो सन घूम रहा है ब्लैक होल के अराउंड और प्लैनेट्स उसका पीछा कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी को भी कंप्लीट सच्चाई पता नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा कि जैनिज्म में शायदवाद, शायदवाद, ठीक है, क्योंकि सच पता नहीं है, क्योंकि सच है चेंज होता रहता है सच। आप किस पोजीशन पर खड़े हो, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, आपको जो सेंसेस गिवन है, एक केचुए को हमारे जितने सेंसेस ही नहीं है, हमें 5 सेंसेस है, तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा सेंसेस हो, ठीक है। हमारे कान सुन नहीं सकते प्लांट्स को बोलते हुए, लेकिन वो बात तो करते हैं, ठीक है। तो स्यादवाद क्या है, शायद, तो इसमें शायद, अब इसमें एलिफेंट, रिलेटिविज्म, एवरी नॉलेज इज रिलेटिव। तो स्यादवाद मतलब तीन चीज़ें, SRE, शायद, ठीक है, दैट इज़ रिलेटिविज्म, एवरी नॉलेज इज रिलेटिव, और फिर उसके बाद ई, एग्जांपल 1 एलिफेंट और 6 मैन, ठीक है, बस ऐसा हो जाएगा। एब्सोल्यूट क्या होती है, मैथ्स के फॉर्मूले, एंगल A+B+C इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी तो है कि 1, 2, 3, 4 सही है, इसकी क्या गारंटी है, कोई चीज़ है 1 जैसी, 1 क्या है, आप इसको 1 बोलते हो बट इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। आप इलेक्ट्रॉन को 1 बोल सकते हो, क्योंकि जब आप वो देखते हो तो वो मैटर की तरह बिहेव करता है, नहीं देखते तो वो एनर्जी की तरह बिहेव करता है, एनर्जी को 1 बोल सकते हो। तो मैथ्स अपने आप में लॉजिकल है या नहीं, ये भी तो पूछो। देन अगली चीज़ है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स इनकी क्या है, अनेकांतवाद, थियोरी ऑफ रियलिटी, भगवान है कि नहीं, वर्ल्ड है कि नहीं, सोल है कि है नहीं, तो ये कहते हैं अनेक चीज़ें हैं, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद में PIH, प्लूरलिज्म, इंटरकनेक्टेडनेस और होलिज्म। प्लूरलिज्म यानी दुनिया में कई ढेर सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए अगर आपको किसी एक चीज़ को भी, अगर आपने किसी एक चीज़ को भी कम्प्लीटली समझ लिया तो आप पूरी दुनिया को समझ लोगे, क्योंकि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। लेकिन उसके लिए किसी एक चीज़ को कैसे पूरी तरह से समझोगे, एक तो ये है कि आपने इस पेन को उठाया तो इस पेन के नेचर को समझो, इस पेन की प्रॉपर्टी, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, और दूसरा इस पेन पर इम्पैक्ट कर रहा पड़ रहा है दुनिया की सभी चीज़ों का, ठीक है। तो दुनिया की सभी चीज़ों का इस पेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो समझो, अगर आप ये दोनों चीज़ें समझ जाओगे तो आप पूरी दुनिया समझा जाओगे। एग्जाम्पल जैसे वाटर है, तो वाटर चेंज करता है अपना स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन हाउ वी सी इट, तो हमारे इमोशंस चेंज कर देते हैं पानी को, राइट। तो एवरी अदर ऑब्जेक्ट इम्पैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। होलिज्म, रिमूव 1 नोड एंड इट विल हैव कैस्केडिंग इफेक्ट। फिर एथिक्स क्या है इनका, जैनिज्म के हिसाब से भी पर्पज ऑफ लाइफ मोक्ष है, हाउ टू अचीव पर्पज ऑफ लाइफ, 35 का रूल है, ठीक है, 35S ऐसे कर सकते हो, 35S, तो 35, 3, 30 से यानी 3, 3, 5, तो 3 से त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या है, TUF, दैट इज ट्रस्ट, अंडरस्टैंड, फॉलो, जैन टेक्स्ट पे विश्वास रखो, फिर उसको अच्छे से समझो, फिर उसको अच्छे से फॉलो करो। ये लाइफ की किसी भी जगह लग सकता है, बैडमिंटन, सबसे पहले विश्वास रखो अपने कोच पे, फिर जो जो बोल रहे हैं अच्छे से समझो, फिर वो अच्छे से फॉलो करो। तो ये हो गया 5 यानी 5, 5 से पंचव्रत, पंचव्रत यानी साव, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य यानी ट्रुथ, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, अस्तेय यानी नो स्टीलिंग, अपरिग्रह यानी नॉन पोजेशन, ब्रह्मचर्य यानी नो सेक्स, और एस से ये जो हो जाएगा सॉरी डे हो जाएगा, पर्यूषण पर्व, एक दिन आप साल में अपने सारे रिलेटिव से माफ़ी मांगो कि कुछ गलत हुआ साल भर का, तो माफ़ कर दीजिए भाई, थैंक्स गिविंग, सारे रिलेटिव्स को थैंक्स करना, ये क्रिश्चियंस में होता है। अब आ जाएंगे सिनिक्स और स्टोइक्स। तो सोक्रेटिस ने क्या कहा था कि लाइफ का पर्पज है ब्लेस लाइफ जीना, ब्लेस लाइफ जीने के लिए बैलेंस लाइफ जियो, बैलेंस लाइफ जीने के लिए वर्चुअस लाइफ जियो।
तो जो लोग वर्चू पकड़ लेंगे वो आपके सिनिक्स और स्टोइक्स बन जाएंगे, जो प्लेजर से दूर भागेंगे। जो लोग पकड़ लेंगे कि लाइफ का पर्पज़ है ब्लेस्ड लाइफ जीना, वो बोलेंगे कि लाइफ का पर्पज़ है टू बी हैप्पी, तो हैप्पीनेस के पीछे भागेंगे, प्लेजर के पीछे भागेंगे। तो एनी वे सिनिक्स और स्टोइक्स पे आ जाते हैं। सिनिक्स के हिसाब से क्या है पर्पज़ ऑफ लाइफ, कि वर्चुअस लाइफ जीजिए, ठीक है। अब ये क्योंकि आपको ये बताएंगे कि प्लेजर से दूर भागो, तो हैप्पीनेस को एक्सप्लोर कर रहे थे हेडोनिज्म वाले, ठीक है। ये सफरिंग को एक्सप्लोर करेंगे कि सफरिंग क्या है, तो सफरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है भाई, वो कैरेक्टर वगैरह बिल्ड करने में मदद करता है। मिनिमलिज्म की ये बात करेंगे कि किसी चीज़ को हार्म मत करो। स्टोइसिज्म वो भी कहेंगे कि लाइफ का क्या पर्पज़ है, कि आप वर्चुअस लाइफ जियो, ठीक है। ये मानेंगे कि भगवान और वर्ल्ड बराबर हैं, हर एक चीज़ भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, प्री डिटरमाइंड है। तो डिटरमिनिज्म और नो फ्रीडम ऑफ विल में ये बोलेंगे, तेन तक तेन भुंजिता दोज हु शैल सेक्रीफाइस शैल एन्जॉय। तो ये भी आपने ख़त्म कर लिया। अब आपका क्या बचा कि तीन पर्पस थे लाइफ के, एक है खुश रहो, एक ये है खुशी से जितना दूर भाग सको दूर भागो, वर्चुअस लाइफ जियो, ना ज़्यादा खुश रहो ना ज़्यादा दूर भागो खुशी से, तो ऐसे मिडिल वाले। तो अब आ जाते हैं उन पे जो ये मानते हैं कि लाइफ का पर्पस है खुश होना। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस के बेसिस पे अलग अलग स्कूल्स आ जाएंगे। तो इन पे आ जाते हैं, सबसे पहले आ जाएंगे कौन, सिरेनिक्स या फिर एरिस्टिपस, वो बोलेंगे लाइफ का पर्पस है खुश रहना, और ये हैप्पीनेस को डिवाइड करेंगे किस में, बेस्ड ऑन आवर डिज़ायर टू बी हैप्पी, दैट इज़ साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म और एथिकल हेडोनिज्म। साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म कि हर किसी को खुश होना, हर किसी को चाहिए कि वो खुश रहे, ठीक है। तो यानी लोग सारे के सारे सेल्फिश हैं क्योंकि सबको अपनी खुशी से मतलब है। एथिकल हेडोनिज्म यानी ये एथिकल है, अगर आप खुश रहना चाहते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप खुश रह सकते हो। लेकिन अब डाउट इस चीज़ पे होगा कि इंसान सिर्फ खुशी के पीछे भागता है, सिर्फ सेल्फिश है या सोशली सेंसिटिव है, या वो खुशी के पीछे भागता है लेकिन वो सोशली सेंसिटिव भी है। तो जो ऐसा मानेंगे कि नहीं सिर्फ इंसान सेल्फिश है, वो है थॉमस हॉब, जर्मी बेंथम। जो मानेंगे नहीं इंसान सोशली सेंसिटिव होता है, अपनी खुशी के पीछे नहीं भागता, वो तो सोसाइटी उसे बुरा मानना बना देती है, ऐसे होंगे कार्ल मार्क्स। जो कहेंगे नहीं इंसान अपनी खुशी भी चाहता है और सोसाइटी की भी खुशी चाहता है, ऐसे होंगे जे एस मिल और हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। एनीवे तो ये इन्होंने दिया। दूसरा सिरेनिक्स या फिर एरिस्टिपस क्या कह के जाएंगे, वो खुशी की इंटेंसिटी की इंटेंस हैप्पीनेस ज़्यादा अच्छी होती है, सर्टेन हैप्पीनेस ज़्यादा अच्छी होती है, इमीडिएट जो हैप्पीनेस मिले ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस चीज़ को हेडोनिस्टिक कैलकुलस ज़्यादा अच्छा जर्मी बेंथम बता के जाएंगे। फिर हैं एपिक्यूरस, एपिक्यूरस आएंगे, वो बताएंगे कि मेंटल प्लेजर फिजिकल प्लेजर से ज़्यादा अच्छा होता है। मेंटल प्लेजर यानी एम से मेंटल, एम ए एल, मेंटल के एम ए एल को निकाल लो, म्यूज़िक आर्ट लिटरेचर डांस, इससे जो खुशी मिलती है वो फिजिकल प्लेजर से मिली खुशी से ज़्यादा बड़ी होती है, ज़्यादा देर तक मेंटल प्लेजर लास्ट करता है, कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं। एनीवे अगला है नेचुरल डिज़ायर और आर्टिफिशियल डिज़ायर। तो एपिक्यूरस बोलेंगे कि जो नेचुरल डिज़ायर है दैट इज़ खाना सोना सेक्स करना, इसको कंट्रोल में रखना चाहिए क्योंकि नेचुरली एक फोर्स है जो आपको प्रमोट करती है टू डू दिस, वही है। वो फोर्स क्या है, मे बी ब्रह्मन इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट सेल्फ, और वो चाहता है कि हम आराम से खाएँ सोएँ सेक्स करें रिप्रोड्यूस करें और एडवांस्ड को, एडवांस्ड पोर्टल ऑफ कॉन्शियसनेस जो उसकी खुद को समझने में मदद कर सकें। एनीवे आर्टिफिशियल डिज़ायर उन पर एब्सोल्यूट कंट्रोल होना चाहिए, जैसे ड्रग्स स्मोक मनी। फिर आ जाएंगे ईगोइज़म की थ्योरी वाले थॉमस हॉब्स, वो ईगोइस्टिक हेडोनिज्म की बात करेंगे। इनका इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये रेंज ऑफ सेल्फ की बात करेंगे। तो अब ईगोइज़म, ईगोइज़म जो कि थॉमस हॉब्स की है, ठीक है, ईगोइस्टिक हेडोनिज्म की बात होगी। तो इसमें क्या है कि आप ऐसे याद रख सकते हो टी से थॉमस हॉब्स और टी से टीडीएस। तो थॉमस हॉब्स की हॉबी थी टीडीएस काटना लोगों की। तो ये चार चीज़ों के बारे में बता के जाएंगे। टी से हो जाएगा टू इंपॉर्टेंट डिज़ायर्स होते हैं, डी से क्या हो जाएगा डिज़ायर्स डायनेमिक होते हैं, ठीक है, और एस से क्या हो जाएगा सेल्फ का कॉन्सेप्ट और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी। तो ये चार चीज़ें बता के जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताते हैं, तो ईगोइज़म में थॉमस हॉब्स बोलेंगे दो इंपॉर्टेंट डिज़ायर होते हैं, एक तो सर्वाइव करने का डिज़ायर और दूसरा डिज़ायर टू हैव मैक्सिमम प्लेजर। फिर वो बोलेंगे कि जो डिज़ायर्स होते हैं हमारे वो डायनेमिक होते हैं नेचर में, होता है फितूर हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने माशूका रुतबा और खुदा, कि ये चीज़ चेंज होती रहती है समय के साथ साथ, ठीक है। तो अगर आपका फीचर ऑफ हैप्पीनेस ही बदलता जा रहा है तो आप हैप्पीनेस के बेसिस पे एथिक्स को नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि हैप्पीनेस का नेचर ही बदलता जा रहा है। तो उसकी वजह से अगर एथिक्स को आपने डायनेमिक बना दिया बहुत ज़्यादा, तो फिर सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि कुछ स्टेबल प्रिंसिपल तो होने चाहिए। तो इसलिए वो लेके आएंगे किसको, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को लेके, कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मतलब इंसान बेसिकली क्या है, ईगोइस्टिक है सेल्फिश है।
बस ये है कि उसका रेंज ऑफ सेल्फ चेंज होता रहता है जैसे जैसे वो इनलाइटन होता है। जब आप बच्चे होते हैं तो आप बहुत सेल्फिश होते हैं, आपको बस अपनी खुशी से मतलब होता है, दूसरे को चाहे जो हो, ठीक है। फिर आप जब धीरे धीरे बड़े होते हो तो आप अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो आपकी फैमिली का, अब आपके सेल्फ का कॉन्सेप्ट बढ़ गया है। तो एक माँ जो अपने बच्चों के लिए भूखी रह जाती है, ठीक है, उसको आप ये कहोगे कि वो भी सेल्फिश है। क्यों? क्योंकि उसके सेल्फ का हिस्सा, उसका सेल्फ इतना एक्सपेंड हो चुका है जिसमें वो खुद को और अपने बच्चों को देखती है। तो वो प्लेजर जो उसको खुद खाना खाने से मिल जाता, वो प्लेजर जो उसको अपने, वो प्लेजर जो उस माँ को अपने बच्चों के लिए खाना सैक्रिफाइस करने से मिलेगा, इट इज़ बिगर इन कंपैरिजन टू वो शोक, वो रिपेंट जो कि वो मनाएगी अगर उसके बच्चे भूखे रह गए और वो खा गई। तो वो अल्टीमेटली वो खुशी के ही पीछे जा रही है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर खुशी है, ठीक है। फिर आप और एनलाइटेंड हो गए तो आप पूरे के पूरे यूनिवर्स को अपना हिस्सा मानने लगोगे। इसी को बोलते हैं योग, दैट इज़ बिकम वन विद द यूनिवर्स। तो अल्टीमेटली यही है कि आपको अपने सेल्फ के कॉन्सेप्ट को एनलार्ज करना है। बस हैं तो सभी ईगोइस्टिक, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि ये हमारा नेचर है सेल्फिश होना, और इट इज़ ओके टू बी सेल्फिश, ऐसा नहीं है। तो ये साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म और एथिकल हेडोनिज्म दोनों में विश्वास करेंगे कि ह्यूमन का नेचर ये सेल्फिश होना और ये एथिकल है सेल्फिश होना। क्यों? सॉल्ट का नेचर खट्टा होना है तो उसे तो जज करते नहीं, तो ह्यूमन का अगर नेचर है सेल्फिश होना तो उस चीज़ के लिए क्यों जज करना ह्यूमन को? सेल्फ के कॉन्सेप्ट को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करेंगे कि जंगल राज था, लोग डरे रहते थे, तो उन्होंने सोचा हम कैसे अपने सेल्फिश डिज़ायर को पूरा करें। तो उन्होंने कहा हम अपनी फ्रीडम दे देंगे और एक स्टेट बना देंगे जिसको की पावर दे देंगे, उसे शांति बनाए रखनी है जिससे हम सब लोग अपने सेल्फिश डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकें, ठीक है। तो ये इनका TDS हो जाएगा। दो इम्पॉर्टेंट डिज़ायर होते हैं, डिज़ायर डायनेमिक होते हैं, ठीक है, और कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, ये देखे जाएंगे। फिर यूटिलिटेरियनिज्म में ग्रॉस हो जाएंगे चर्बी मेंथम, रिफाइंड हो जाएंगे JS मिल। तो इसको देख लेते हैं। तो अब आ जाएंगे यूटिलिटेरियनिज्म पे। यूटिलिटेरियनिज्म यानी यूनिवर्सलिस्टिक हेडोनिज्म, दैट इज़ मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल। फिर ग्रॉस और रिफाइंड, ग्रॉस यानी अलग अलग खुशियों में सिर्फ क्वांटिटी का अंतर होता है, तो इसे जर्मी बेंथम मानेंगे। वो ये कहेंगे कि साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म इज़ ओके, कि ह्यूमन का डिज़ायर, ह्यूमन होता ही सेल्फिश है, वो ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट एथिकल टू बी सेल्फिश। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने सेल्फ का कॉन्सेप्ट बनाओ, और यहाँ पर ये ईगोइज़म से ट्रांसफॉर्म होकर यूटिलिटेरियनिज्म में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन थॉमस हॉब्स क्या मानते थे? कि सेल्फिश होते हैं हम और वही हमारा नेचर है, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? कि ज़्यादातर लोगों की भलाई करनी चाहिए। तो जो इंसान ये मानेगा कि सिर्फ क्वांटिटी का ही अंतर है अलग अलग खुशियों में, वो क्या कहेगा? दो खुशियों को कंपेयर भी किया जा सकता है। तो जर्मी बेंथम हेडोनिस्टिक कैलकुलस दे के चले जाएंगे दो अलग अलग खुशियों को कंपेयर करने के लिए कि किसके साथ आपको जाना चाहिए। वो याद रखने का तरीका क्या है? ABCDEF, ये 7 पैरामीटर्स हैं जिन पर कंपेयर कर सकते हो। उसमें ए को काटा, बी को काटा, और ऊपर एक लाइन ड्रॉ की, तो ये इससे क्या आ गया? पाई आ गया। तो PPI और CDEF। तो PPI यानी सबसे पहले प्लेजर की ड्यूरेशन, दूसरा प्लेजर की प्योरिटी, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लेजर और प्योरिटी ऑफ प्लेजर है, सॉरी, प्लेजर की प्रॉक्सिमिटी, प्लेजर की प्योरिटी, प्लेजर की इंटेंसिटी, और फिर आ जाएगा CDEF, दैट इज़ प्लेजर की सर्टेनिटी, ड्यूरेशन, एक्सटेंसिटी और फेकंडिटी। इनके बेसिस पे है। तो ज़्यादा ड्यूरेशन वाला प्लेजर, ज़्यादा इंटेंस प्लेजर, ज़्यादा पास वाला प्लेजर, ज़्यादा सर्टेन प्लेजर, वो प्लेजर जो और ज़्यादा प्लेजर प्रोड्यूस करे, प्योर प्लेजर, वो प्लेजर जो ज़्यादातर सोसाइटी के लोगों के लिए अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जर्मी बेंथम JS, फिर रिफाइंड हेडोनिज्म, जो कि कहेंगे नहीं, क्वालिटी, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का भी अंतर होता है, तो दो तरह की खुशियों को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो ऐसा बंदा JS मिले और वो ऑब्वियसली दे नहीं पाएंगे हेडोनिस्टिक कैलकुलस, कंपेयर ही नहीं किया जा सकता वर्ल्ड कप से मिले खुशी और गोलगप्पे से खाई खुशी को, ठीक है। तो JS मिल क्या करेंगे? जर्मी बेंथम की जो यूटिलिटेरियनिज्म उन्होंने दिया उसी को और प्रोग्रेस करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ये कहेंगे हम सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश नहीं होते। जर्मी बेंथम मानते हैं कि हम सिर्फ सेल्फिश होते हैं। JS मिल कहेंगे कि हम सेल्फिश भी हैं लेकिन उसके साथ सोशली सेंसिटिव भी हैं, ठीक है। तो इनके हिसाब से क्या हो जाएगा कि क्योंकि खुशियों में क्वालिटी और क्वांटिटी का भी अंतर होता है, इसलिए मेंटल प्लेजर फिजिकल प्लेजर से ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। मेंटल प्लेजर फिजिकल प्लेजर से ज़्यादा बड़ा होता है। तो JS मिल कह के जाएंगे कि एन अनसेटिस्फाइड ह्यूमन इज़ बेटर देन सेटिस्फाइड पिग, या एन अनसेटिस्फाइड सोक्रेटिस इज़ बेटर देन अ सेटिस्फाइड ईडियट, ठीक है।
दैट इज़ मेंटल हैप्पीनेस इज बेटर देन, और जे एस मिल जो कि ग्रॉस हेडोनिज्म में विश्वास करेंगे, जस्ट क्वांटिटी का ही अंतर तो है, तो पुष्पिन इज़ एज गुड एज पोइट्री, पुष्पिन जो बच्चों का गेम है ठीक है, और पोइट्री जो कि मेंटल प्लेजर है ठीक है, तो फिजिकल प्लेजर मेंटल प्लेजर बराबर है एनीवे, तो ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का अंतर है, तो इसलिए अगर आपको हैप्पीनेस जाननी है तो उसके लिए आप एक्सपर्ट्स और एक्सपीरियंस लोगों से बात करो, क्योंकि उन्होंने अलग अलग तरह की खुशियाँ इन्जॉय की हुई हैं, तो आपको बता सकते हैं कौन सी अच्छी है, और मेंटल प्लेजर इज़ बेटर देन फिजिकल प्लेजर। अब इसके बाद आ जाएंगे इवोल्यूशनरी एथिक्स, इवोल्यूशनरी मतलब साइंस और फिलॉसफी जहाँ पर मिले, तो डार्विनिज्म के इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट को फिलॉसफी के हेडोनिज्म से कंबाइन कर दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने, उन्होंने कहा लाइफ का पर्पस है खुश होना, हाउ टू अचीव पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ कुछ नहीं है प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट है नेचर के साथ, तो वो चीज़ जो कि इस एडजस्टमेंट में मदद करे वो लाइफ को बढ़ाएगी, वो चीज़ सही है, जो इस चीज़ के अगेंस्ट जाए वो घटाएगी तो वो चीज़ बुरी है ठीक है। तो हेडोनिज्म में बेसिकली हुआ क्या, शुरू के दो हैं सी ई सोक्रेटिस से जिन्होंने लिया कि नहीं लाइफ का पर्पस ब्लेस्ड लाइफ जीना है, तो सी ई सिरेनिक्स और एपिक्यूरस, उसके बाद और इवॉल्व हो गए ईगोइस्टिक और यूटिलिटेरियनिज्म, ईगोइस्टिक का थॉमस हॉब, यूटिलिटेरियन में क्या है कि ग्रॉस और रिफाइंड, ग्रॉस के लिए जर्मी बेंथम और रिफाइंड के लिए जे एस मिल ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा इवोल्यूशनिज्म, इवोल्यूशनिज्म हर्बर्ट स्पेंसर का हो जाएगा, तो दैट इज़ द एंड ऑफ फिलॉसफी। अब चीज़ों को ऐसे तीन लेवल पे समझने के बाद ठीक है कि जान ही नहीं सकते, आईएसआई तीन लोग इमैनुअल कांट, सोफिस्ट और इंट्यूशनिज्म या फिर और फिर एग्जिस्टेंशलिज्म, वो लोग जो कहते हैं नहीं नहीं हमें पता है लेकिन ये सब चीज़ इल्यूजन है ठीक है। तो इसमें इंडिया में हो जाएंगे अद्वैत वेदांत, इसके वेस्ट में काउंटर पार्ट हीगल का परफेक्शनिज्म और आइडियलिज्म। अद्वैत वेदांत को प्रैक्टिकल बनाने के लिए गीता आएगी, और कांट भी क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में गीता के ही तीन पॉस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी देके चले जाएंगे। लेवल थ्री नहीं नहीं हमको पता है लेकिन ये सब इल्यूजन नहीं है, उसमें पर्पस ऑफ लाइफ कंटिन्यूम अप्रोच में कि लाइफ का पर्पस है खुश रहना, लाइफ का पर्पस है खुशी से दूर भागना, लाइफ का पर्पस ना ज़्यादा खुशी के पीछे जाना ना ज़्यादा खुशी से दूर भागना मिडिल पाथ है, तो खुशी से के लाइफ का पर्पस है खुश रहना, इसको होंगे हेडोनिज्म। इंडिया में इसको चार्वाक मानेंगे, वेस्ट में इसको कौन मानेंगे, सबसे पहले सोक्रेटिस के पीछे आए सी ई दैट इज सिरेनिक्स और एपिक्यूरस, फिर उसके बाद ये और इवॉल्व कॉन्सेप्ट हो गया, तो ईगोइज़म और यूटिलिटेरियनिज्म, ईगोइज़म थॉमस हॉब्स का, यूटिलिटेरियनिज्म में ग्रॉस और रिफाइंड, तो ग्रॉस के आपके हो जाएंगे जर्मी बेंथम और रिफाइंड के हो जाएंगे जे एस मिल, और फिर हर्बर्ट स्पेंसर का इवोल्यूशनिज्म, ये पांच हो जाएंगे। और एक ही है फिर मिडिल पाथ, ना ज़्यादा खुशी के पीछे भागो ना ज़्यादा सेक्रीफाइस करो, इंडिया में हो जाएंगे बुद्धिस्ट, वेस्ट में इसके काउंटर पार्ट हो जाएंगे सोक्रेटिस, बैलेंस लाइफ का कॉन्सेप्ट, और गीता भी पकड़ सकते हो चाहो तो, वो लोग जो कहेंगे कि नहीं खुशी से दूर भागना चाहिए। एसेटिज्म, इसके तीन लोग हो जाएंगे जे सी एस, जैनिज्म, सिनिक्स और स्टोइक्स, तो तीन मिडिल पाथ वाले, तीन प्लेजर से दूर भागो, छह प्लेजर के पास जाओ, तीन हमें कुछ पता ही नहीं है, तीन हमें पता है ये इल्यूजन है, ख़त्म। चार्वाक का भूल गया था मैं, तो चार्वाक की एपिस्टेमोलॉजी क्या है, सिर्फ उसी चीज़ पे विश्वास करो जो आप अपने पांच सेंसेस से देख सकते हो, इसका ऑपोजिशन क्या होगा, सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। चार्वाक की मेटा फिजिक्स क्या होगी कि ना वो भगवान में विश्वास करेंगे, ना रीबर्थ में, ना कर्मा में, क्यों, क्योंकि पांच सेंसेस से ना भगवान दिखते हैं ना रीबर्थ होती हुई दिखती है। पर्पस ऑफ लाइफ चार्वाक के हिसाब से हैप्पीनेस है, प्लेजर है ठीक है, वो ग्रॉस हेडोनिज्म में विश्वास रखेंगे कि सिर्फ क्वांटिटी का अंतर है, बाद में रिफाइंड भी हो जाते हैं कुछ कल्चर्ड चार्वाक्स जिन्हें बोला जाता है, जैसे कि वात्स्यायन जिन्होंने कि कामसूत्र लिखा हुआ है ठीक है, फिर वो माय हैप्पीनेस पे विश्वास रखेंगे शायद ईगोइस्टिक पे। एनीवे हाउ टू अचीव पर्पस ऑफ लाइफ, वो कहेंगे पैसे कमाओ प्लेजर्स के लिए, फिर इसमें तीन कॉन्सेप्ट हैं योलो यू ओनली लिव वंस, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, पैसे हैं तो प्लेजर इन्जॉय करो, नहीं पैसे हैं तो उधार मांग के इन्जॉय करो यार, पीतवा पीतवा पुनः पीतवा, यावत पतती भूतले, पियो पियो तब तक पियो जब तक गिर ना जाओ।